राजा रविचंद्र वर्मा एक शरीफ और नेक दिल इंसान थे। कारोबार इसलिए करते थे कि लोगों को रोजगार मिल सके। राजा साहब अपनी तीनों बहनों से बहुत मोहब्बत करते थे। तीनों बहनों के खुशकिस्मत शौहर ये तीनों हैं। राजा साहब की उंसियत थी अपनी तीनों बहनों से और तीनों की नजरें हैं राजा की दौलत पर। ये हैं राजा साहब के साले साहब। भुलक्कड़ हैं लेकिन नेक दिल हैं। राजा साहब की मौत के बाद अब सबकी नजर है उनके वारिस पर, भगत सिंह। एक मक्कार इंसान पहले सुपारी लिया करता था, अब कारोबार करता है। बोली शुरू करें। किंग कंस्ट्रक्शन से अभी तक कोई नहीं आया है। राजा तो जन्नत रसीद हो गए, अब उनकी कंपनी में बचा ही कौन है। राजा के बड़े साहबजादे, ये पिद्दा कारोबार में अब हमसे मुकाबला करेगा। जी जनाब। शुरू कीजिए। सरकारी बोली है 10 लाख। 10 लाख, 10 हजार, 50 लाख। भगत कंस्ट्रक्शंस की फाइनल बोली है 2 करोड़ 1 लाख। एक मिनट किंग, कारोबार में कदम रखते ही तुम हार गए बेटा। माफ करना, अभी तुम बच्चे हो। हम कोई बच्चे नहीं है, पूरी बाजी जीत ली। जिस जमीन की कीमत 50 लाख रुपए भी नहीं थी, वो कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी है। मजदूरों को 1.5 करोड़ का फायदा। इसीलिए किंग सिर्फ हकीम ही नहीं, सबसे बड़ा रहबर भी होता है। सौदा मुबारक हो, गुड लक। खुश हो, कमाल कर दिया। अरे भाभी जा, छोटे मियाँ जीते हैं, बड़े मियाँ को मुबारकबाद क्यों? अपने भाई को जिताने के लिए ये खुद हार गया। ओ। सच्चा किंग जीतने वाला नहीं जिताने वाला होता है। बोलो बोलो, अब खोलो जबान, बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे जान से मार देंगे क्या? आपको पता नहीं है, किंग ने इन पर भरोसा करके चाबियां दी और इन्होंने हमें ही चूना लगा दिया है। क्या आपको अंदाजा है क्या किया इन्होंने? साले साहब की सालगिरह के मौके पर हमने मजदूरों का बोनस तिजोरी में रखा था और इन जनाब का कहना है सूटकेस गायब हो गया। झूठ बोल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मालिक मालिक, हमने पैसे नहीं चुराए, हम सच कह रहे हैं। मैंने कहा ना आप जा सकते हैं। छोटे मालिक, आप भी हम पर यकीन नहीं करेंगे क्या? चुपचाप चले जाइए यहाँ से। तुमसे जाने के लिए कहा तो निकलो ना यहाँ से। चलो दफा हो जाओ। गोपी मोहन, पुलिस में शिकायत दर्ज करने वाली बात कही ना तो मेरा तो दिल ही बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, पर सूटकेस कहाँ है? फिक्र क्यों करते हो, हमने उसे अपने कमरे में छुपा रखा है। उस सूटकेस को कमरे में छिपाने की क्या जरूरत थी? जल्दी लेकर आओ उसे, हम बांट लेते हैं। अभी अंदाजा हमें पहले से ही था, हमारे रामदीन चाचा बेकसूर हैं। आपकी हरकतों को हमने हमेशा नजरअंदाज किया है। सिर्फ खानदान की इज्जत की खातिर हम आज तक खामोश रहे हैं। अभी के अभी रामदीन चाचा के पास जाकर आपको उनसे माफी तलब करनी होगी। सोचा था साले साहब की मौत के बाद सब कुछ हमारे कब्जे में होगा, लेकिन ये पिद्दा हमारे लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। अगर जी का जंजाल बन जाए तो क्या करना चाहिए? जी को जंजाल से अलग कर देना चाहिए। वो आप करते होंगे। तो आप क्या करते हैं? जंजाल की जड़ ही उखाड़ देते हैं। माँ, पैदाइश के बाद से ही मेरे बेटे के साथ हर 2-3 सालों में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है पंडित जी, इसलिए हमने आपको उसकी कुंडली देखने के लिए बुलाया है। कुंडली वाले के किस्मत में बादशाहत के साथ साथ कुछ खतरे भी हैं बेटी। सन 2010 में इनकी जान को खतरा है, बहुत ही बड़ा खतरा। अगर वो हादसा टल गया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इनकी उम्र बहुत लंबी होगी। उस हादसे से बचने का कोई तो हल होगा ना पंडित जी, बताइए ना हमें पंडित जी। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे बेटी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। कैसे हुआ ये सब? Hey, इस बार का कॉन्ट्रैक्ट 100% हमें ही मिलेगा। सर, आप किंग को कमजोर मत समझिए। क्या कर लेगा किंग, हमने सबको खरीद लिया है। मूर्ति का फोन है। हाँ बोलो मूर्ति। राका, एक बुरी खबर है। वो क्या है कि इस बार भी किंग ही जीता है। इस बार का
अटेंडेंट से ही मिला। क्या हुआ सर? किंग फिर से जीत गया, किंग फिर से जीत गया, इस बार भी वो जीत गया। मैं उसे बख्शूंगा नहीं, मैं उसकी सुपारी दूंगा, अब वो जिंदा नहीं रहेगा। आई विल किल यू किंग। मर गया, तुम्हारे होते हुए भी जब मेरा बेटा मर गया तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी किंग की मौत। सिर्फ किंग ही क्यों, उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। हेलो हेलो, हाँ भाईजान, अगर आप हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आएंगे तो ही हम लंदन की फ्लाइट पकड़ेंगे, वरना आप तो हमारी फितरत से वाकिफ हैं, इसलिए एयरपोर्ट जरूर पहुंचिएगा। लोग मुझे चिट्टू बोलते हैं, काला चिट्टू, यह है मेरा कारोबार। मेरा असली कारोबार है सुपारी लेकर काम तमाम करना। आज मुझे तुम्हारी सुपारी मिली है, मतलब तुम्हारा काम तमाम। डर लगा क्या? हमारी छोड़े, हमारे खानदान में डर की जड़ नहीं है। पता है क्यों? हर कोई उस मालिक पर यकीन करता है जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम यकीन करते हैं दिखने वाले मालिक पर। दिखने वाले मालिक मतलब किंग। चलो देखते हैं तुम्हारा मालिक तुम्हें कैसे बचाता है। भून दो इसे। कौन हो तुम? किंग। आज तक सिर्फ तुम्हारा नाम सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। बस एक बात याद रखना, मैं वो आग हूँ जो घरों में जलूं तो दिया बन जाता हुआ दुश्मनों पर गिरूं तो चिता। मेरे लोगों के बीच में मुझे धमका रहे हो, अंदाजा है इस हिमाकत का क्या अंजाम होगा। तुम्हारे ही सामने तुम्हारे भाई की मौत। मेरे भाई को तुम में से जो भी छुएगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। ट्राई कर लो। चलो व्हाट, ले इसे, इसे छूकर दिखा, छूकर दिखा। इसको मारने की सुपारी किसने दी? किंग अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है और तुम जैसे लोगों को कुचलना भी। हम यहाँ सिर्फ ये कहने आए हैं कि अगर दम है तो सिर्फ हमसे टकराओ, हमसे, खानदान से नहीं। और एक बात समझ लो, अगली बार हमारे खानदान पर नजर उठी तो तुम दुनिया में नजर नहीं आओगे। इसे धमकी मत समझना। अम्मी परेशान क्यों हो रही हो? अजय लंदन ही तो गया है, लौट आएगा। नहीं बाबा, भाभी जान इसलिए परेशान है क्योंकि तुम जा रहे हो। हाँ बेटा, याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था, ये साल तुम पर भारी है इसलिए सफर मत करो बेटा। अम्मी जान,
हमारा जाना जरूरी है। फैक्ट्री में कोई मुश्किल हुई है जिसे हल करना ही होगा। दो दिन में लौट आएंगे कसम से। राजा बाबू, भाईजान के गुजरने के बाद तुम ही हमारा सहारा हो। जब तक आप सबकी दुआ हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होगा। भांजी, सुना है शहर से बाहर जा रहे हो। रामदीन चचा बता रहे थे। बात दरअसल यह है कि कल से तुम्हारी फूफी जान कहने 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 चिल्ला रही है। सोने के दाम भी गिर गए हैं। अगर तुम मुझे 5 लाख दे दोगे तो वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका पर सट्टा लगा दूंगा। हमने सट्टेबाजी छोड़ दी है। मैं ही बोलूं, तुम क्यों नहीं बोल सकती? आपको हमारी टीम पर यकीन नहीं और हमें आप पर। साड़ू भाई, आपको पता है ना इन्हें झूठ से नफरत है। ईमानदारी से कहेंगे कि आपको पैसे चाहिए तो क्यों नहीं देंगे? क्यों बेटा? हम आप तीनों को अच्छी तरह जानते हैं। हमें खामोश रहने दे, जाकर अपना अपना काम करें। इतने साफ इनकार के बाद भी कुत्ते की तरह हड्डी की उम्मीद क्यों करें? चलिए यहाँ से। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। आपको गहने चाहिए ना फूफी जान? अगर गहने चाहिए होते तो तुमसे जरूर कहती, लेकिन उनसे नहीं। वो तो झूठे हैं। अच्छा जवाब दिया तुमने। अरे भांजे, तुम कुछ भूले तो नहीं ना? भूल तो आप रहे हैं। अरे हम क्या भूलेंगे? पैंट पहनना। ओह माफ करना, तुम्हारे शहर जाने की खुशी में हमें ख्याल ही नहीं रहा। खैर, तुम्हारी अम्मी से कुछ कहना है? उनसे सिर्फ इतना ही कहना कि टेंशन ना ले, हम सही सलामत लौट आएंगे। ठीक है मामू जान? ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय बाय। आपा जान से कहना है कि सही सलामत लौट आएंगे। हाँ सही सलामत। ये क्या है? अरे क्या हुआ, डरा क्यों रही हो? क्या हुआ? पैंट कहाँ है? ये तो किंग ने भी बताया था, लेकिन उसने कुछ और कहने के लिए कहा था। हमें क्या पता क्या कहने के लिए कहा होगा? तुम्हें कैसे पता होगा? लेकिन कुछ तो कहा था। क्या कहने के लिए कहा था? इस किंग ने तो हमारे लिए कोई रास्ता खोला ही नहीं छोड़ा है। दादू अपना पैसा वापस मांग रहा है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमें चक्की पिसवा देगा। क्या करें? ये फोन को भी अभी टंटलाना था। दादू का कॉल है। 100 साल तक नहीं मरेगा वो। तो 100 साल से पहले नहीं मरेगा, लेकिन तुम्हारी बरसी वक्त से पहले ही करा देगा। अरे फिजूल में डराओ मत। मेरे शफीक का कॉल है। शफीक, वेस्ट इंडीज पर 1 लाख रुपए का सट्टा लगा। क्या दो? बात है अप्पा, फोन क्यों काट दिया? दादू भाई, ये फोन आपके पास है क्या? अभी हम दिल्ली में हैं, सोचा आने के बाद सीधे आपसे आकर बात करेंगे, इसलिए फोन काट दिया। हम दिल्ली के बाद आगरा जाएंगे और वहाँ से आते वक्त आपकी अंगूरी। गोली यहाँ पर चली है और तुम दिल्ली में उछल पड़े हो। दादू भाई, आप नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन तुम हमारे निशाने पर साफ नजर आ रहे हो। हमें मारकर आपको क्या हासिल होगा? दादू भाई, इस बार हमारे पास एक शानदार मंसूबा है। तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो सकता है, लेकिन हमारा निशाना नहीं। उस्ताद, हमें भी बताइए आपका मंसूबा क्या है। अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लें, किंग यहाँ सबको अलविदा कहकर तो निकला है, लेकिन वो हमेशा के लिए विदा होने वाला है। ये चुटकुला हम शादी के अगले दिन से सुन रहे हैं। मंसूबा कामयाब होगा? हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अरे फिर तुम्हारा शैतानी दिमाग किस दिन काम आएगा? कोई साजिश है क्या? ओफो, ये फोन भी ना। सर, फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है। सर, आप इस कंपनी में नई आई हैं, आप किंग का खैर मकदम तो कर लेंगी ना? आप डराइए मत ना सर, हमें अपना फर्ज पता है। ओह, माफी चाहते हैं सर। वेलकम सर। सर हम दिव्या हैं सर, आप प्लीज आइए। पहले आप। मसला क्या है? लोकल माफिया जनाब, वो मजदूरों को धमका रहे हैं और उन्हें काम पे आने से रोक रहे हैं। वो फैक्ट्री पर ताला लगवाकर अपने कब्जे में करना चाहते हैं जनाब। उनकी बढ़ती गुंडागर्दी को नजर में रखते हुए फैक्ट्री चलाना दुश्वार हो गया जनाब। हमारी सलाह माने तो हमें अब इस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। फैक्ट्री बंद करने का मतलब है 3,000 घरों में अंधेरा करना। इससे तो बेहतर है हम उन बदमाशों को बंद कर दें। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं जनाब। जंग का खौफ सिपाही को हो सकता है, लेकिन किंग को नहीं। इसके बारे में बात हुई थी सर। आपने इसका सर्वे कर लिया? जी सर, हो गया है। क्या यही प्लान है? हेलो सर, फ्लाइट का वक्त हो गया, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं सर? हम कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में सब खैरियत तो है? हम तो खैरियत।
आपने किसी के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की थी ना? जी जनाब। शनाख्त करें, क्या वो ये है? जी नहीं। ये? जी नहीं जनाब। तो ये है, ये आदमी है क्या? जी नहीं। क्या कहा, हमारा बेटा खो गया? जी बिल्कुल मैडम, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन सर की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। किसी ने सच कहा है, घर के चोर को तो ऊपर वाला भी नहीं पकड़ सकता। तुम कहना क्या चाहते हो गोपी मोहन? आपका विकेट गिर गया अप्पा जी। ए गोपी मोहन, तुम क्या साबित कर रहे हो? आपकी करतूतों का सबूत इंस्पेक्टर। डीसीपी जी, डीसीपी इंस्पेक्टर। अब आप इन्हें अंदर करके थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कुछ बता देंगे। जनाब अप्पा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बिल्कुल चलेंगे, हमारे पास भी इसकी करतूतें मौजूद हैं। अभी आपको दिखाते हैं, हटे रास्ता छोड़े। अपना अपना मोबाइल लेकर आएंगे क्या? बचकर निकल गया। इतना बड़ा पेट लेकर आखिर कब तक बचेगा वो? तलाशिए, गिरफ्तार कीजिए। कांस्टेबल कम ऑन। गोपी मोहन, अच्छी तरह से समझ गया हूँ तुम्हारा शैतानी दिमाग। किंग को तुमने ही मरवाया और मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग से अप्पा जी को फंसाया। एक तीर से दो दो शिकार। भाभी जान, हम अपने अजय को वापस बुला लेते हैं। नहीं नहीं, वो सह नहीं सकेगा। वैसे भी हमारे राजा बेटा को कुछ नहीं होगा, तुम लोग फिक्र मत करो। मालिक, हमने सबको उम्मीद दिलाई है, पर हमें तो सिर्फ आपसे ही उम्मीद है। मेरे बच्चे को सही सलामत भेज देना मेरे मालिक। सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत। हाँ। आपा जान, किंग ने हमसे कहा था कि वो सही सलामत यहाँ वापस लौट आएंगे। आप फिक्र ना करें आपा जान। हमें पता है वो जरूर लौटेगा। हम सबके खातिर मालिक उसे वापस जरूर भेजेंगे। आदाब जनाब। क्या रे, फिर से आ गया? तुझे यहाँ आने से मना किया था ना? आपका मुहायदा खत्म हो गया है, इन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर ये जगह खाली कर देंगे तो इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी कर लेगा। तो कोई तीस मार खां है क्या? रघु रोकड़ा का आदमी हूँ मैं। अरे रघु रोकड़ा हो, रघु चोपड़ा हो, रघु खोपड़ा हो, चल निकल यहाँ से, चल। कौन है रे तू?
ईस्ट साइड कोयमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, सारा साइड मिलके इंडिया बनता है जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता है। ये रघु रोकड़ा कौन है? चार मीनार सुना है? सुना है। ताजमहल सुना है? गेटवे ऑफ इंडिया सुना है। और तेरे को रघु रोकड़ा नहीं मालूम? नहीं मालूम। चल तेरे को एक इशारा देता है, जब रघु रोकड़ा का पड़ता फटका तो पूरा इंडिया नजर आता घूमता। अच्छा? डाउट है? अब पता चला आप ये रघु रोकड़ा। सही जवाब, हम है रघु रोकड़ा। टेन की तरह घुसते हैं और तलवार की तरह चीरते हैं। यहाँ के मालिक ने अपन को सुपारी दी है जगह खाली कराने की। नहीं करा पाया तो हमारी इज्जत जाएगी, और अगर हमारी इज्जत गई तो फिर किसी की भी नहीं बचेगी। अच्छा, वो कैसे? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब पूरी फिल्म देखेगा या इधर से निकलेगा? ओए, क्या हंगामा मचा रखा है? देखिए साहब, ये हमें मार रहा है। जगह खाली करेगा या नहीं? ओए, पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी करोगे? भाई माफ कर दीजिए, भाई माफ कर दीजिए। निकाल जाते भाई, चलो निकलो निकलो जल्दी करो। घबरा मत बे, ये सिर्फ एक नाटक था। नाटक था? सॉस की कसम। सेठ जी तारीफ बाद में करना, पहले माल निकालो। ये लीजिए पूरे 10 हैं। क्या का 10? 10 में तो कुछ भी नहीं होगा, और निकालो। हर काम पैसे के लिए नहीं करता अपुन, इनकी बेटी की शादी के लिए मदद करनी थी ना, काफी है। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खुला होता तो आज हम यहाँ नहीं जन्नत में होते। जन्नत बोले तो? अरे भाई कमाल की जगह, हर तरफ डिस्को लाइट्स, मैगी बोतल और हर तरफ हूर। अपुन की शादी का छोड़कर मैखाने का सूझ रहा है तेरे को? हाँ? अब तुम ही बताओ क्या करूं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं। नतीजा क्या निकला? छी, हमारा कारोबार देखते हुए कोई भी अपनी लड़की देने के लिए राजी ही नहीं है। कारोबार नहीं बदल सकते लेकिन हुलिया तो बदल सकते हैं ना भाई, क्या बोलते हो? अबे छोड़ यार, कभी तो मालिक मेहरबान होगा। लो हो गई मेहरबानी। क्या बात है बेटा? एक लड़की ने अपुन के दिल पे बिजली गिराई। अच्छा, कौन थी वो लड़की? बस से चली गई। अरे छोड़ो, बस की तरह गई है, कौन आ जाएगी? लेकिन अपुन का दिल तो उसी पे आया ना। मान लिया दिल आ गया, लेकिन अब उसे ढूंढेंगे कहाँ? रघु रोकड़ा की धड़कन बढ़ी मतलब लड़की मिली। कट। देख लो हर कोई कैसी है। अच्छी तो बनी है लेकिन है क्या ये? क्या कहा? मतलब एक नंबर भाई। चीता या शेर तो नहीं लेकिन लोमड़ी जैसी लग रही है भाई। जब मैंने लोमड़ी बनाई है तो लोमड़ी जैसी ही दिखेगी ना। इसे भी दिखा दो, खुश हो जाएगा। लड़की वाले पूछेंगे ना तो उन्हें मैं इसी तस्वीर को भेजूंगा। ए, फौरन रिश्ता तय हो जाएगा, देख लेना। भाई। अरे इसे क्या हुआ, ऐसे भूख क्यों रहा है? कह रहा तस्वीर भेजने से पहले कपड़े पहना देना। भाई भाई भाई, शहर के सारे कारोबार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं भाई। अबे वो बाद में देख लेंगे, पहले ये बता तस्वीर कैसी लगी। कौन सी तस्वीर भाई? मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरे कुत्ते की तस्वीर नहीं दिख रही? ये कुत्ता है क्या? आप लोगों को ये कुत्ता नजर आ रहा है? ये कमबख्त चापलूसी के आदी हो गए। देखिए मुंह बना दिया है गधे जैसा और धड़ बना दिया कुत्ते जैसा। ना ये कुत्ता रहा, ना लोमड़ी रही, ना गधा रहा, कुत्ता छोड़ो कुछ भी नहीं है ये। हमें तो एक नंबर लगा था भाई। मेरी मेहनत पर पानी फेरा तो पानी नसीब नहीं होगा। हमें माफ कर दे भाई, नादान समझ के बख्श। तू मेरे बचपन का दोस्त है इसलिए तुझे बख्श रहा हूँ। Ah!
अब बता क्या कह रहा था। रघु रोकड़ा नाम का एक बंदा शहर पे हावी होता जा रहा है, अगर वो रोकड़ा चल पड़ा तो हमें कोई रोकड़ा नहीं देगा भाई। जो कांचा भाई से टकराएगा अपनी कब्र खुद खुदवाएगा, सीधा दफन हो जाएगा। कहाँ रहता है वो? मैं बोल देता कोई बीच में नहीं आएगा, मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे कहाँ छुपा हुआ है, चल बाहर निकाल। मर्द का कलेजा ना तो बिल से बाहर निकल। देख देख कौन आया है तुझसे मिलने। क्यों बे, पता चला है तूने हमारे इलाके में कदम रखा है। क्यों बे, ये इलाका तुम्हें तोहफे में मिला था क्या? अरे कंचा भाई आप यहाँ? अरे टोपा भाई तुम आइए ना, ये मेरा बेटा है, अंदर चलकर सुकून से बात करते हैं। देखो सुन लो भाई, इस शहर में वही होता है जो ये कांचा चाहता है। धमकी देना, वसूली करना, सब मेरे इशारों पर चलता है। तुमने वसूली कब से शुरू कर दी है? मुकाबला पता है, चार छह लुखों को पीट कर तुम अपने आप को डॉन समझ रहे हो क्या? चुटकी बजाते ही तुम जैसों को गायब करवा सकता हूँ। पुलिस वाले सलाम करते हैं मुझे। भाई भाई, मीट चौकी थाने के हवलदार गोटी और छोटू को कूट रहे हैं भाई। उनसे बताया नहीं कि वो मेरे बंदे? बताया था भाई, जैसे बताया उन्होंने और कुटाई कर दी। अबे खामोश। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम, सारे इसी धंधे में उतर जाएंगे तो मैं ठेला लगाऊंगा क्या? खैर मैं तुम्हें बख्श देता हूँ, अगर भाई बनना है तो हमारे लिए काम करो, समझ गए? शेर के गले में कुत्ते का पट्टा। अरे इसकी जबान कितनी लंबी है। क्या करें भाई, किसी की सुनता ही नहीं है, बहुत जिद्दी है ये। इसके जैसे कई टेढ़ों को सीधा किया है मैंने, तुम्हारी वजह से खामोश हूँ। एक काम करो, शहर संभाल लो और 20% हिस्सा रख लो। तुम अपुन के पास आया, अपुन तेरे पास आया? हाँ हम तेरे पास आए तो क्या? अपुन का हिस्सा अपुन तय करेगा। कहने का मतलब क्या है? 20% तुम लोगे। अरे ये तो दिमाग खराब हो गया इसका, मेरा पूरा कारोबार लेना चाहता है ये। भाई आपका ही बच्चा है, संभाल लीजिए ना। यार क्या बेटा पैदा किया है तुमने। भाई तुम्हारी दोस्ती तो बहुत महंगी पड़ रही है हमें, चलो मान लेते हैं, पर किसी को पता ना चलने पाए। किस लिए? अरे मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा, किसे क्या पता हमारे बीच क्या समझौता हुआ है। अरे समझाओ ना इसे। अरे मान जाओ ना बेटा। चलो मंजूर है। अरे सुन यादव, उसे लेकर आना। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये तोहफा तुम्हारे लिए। तोहफा क्या है ये? इसे खोलो, पता चल जाएगा। क्या है ये? पेंटिंग। इसको पेंटिंग बोलते हो? लगता है किसी ने पान खा के थूका हुआ है इस पे। धत तेरी तो। किसने किया ये गुस्ताखी? जुबान संभाल के, भाई ने बनाई है ये पेंटिंग। अबे खामोश है। ये वाली पेंटिंग उस्ताद जी ने बनाई थी, तुझे क्या पता। खैर टोपा भाई, बोलो भाई। शहर में हमारा आलीशान बंगला है, आप लोग वहीं पर जाकर रहेंगे। और सुनो इनसे मैं कह देता हूँ आज ही शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे हो सकते हैं? उस कबाड़ खाने में चूहा बिल्ली कुश्ती लड़ रहे हैं भाई। सफाई करवा देंगे, टकाटक हो जाएगा ना वो। अच्छा चलता हूँ टोपा भाई। चलता हूँ रघु भाई, अपना ख्याल रखिएगा। भाई लोग मैंने शहर टोपा भाई को 20% पर दे दिया है। अब पुरानी दोस्ती निकली, हाथ पैर जोड़ने लगा तो हमने सोचा क्या फर्क पड़ता है, दे देते। इतना भी देने की क्या जरूरत थी भाई? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, सारा रिस्क वो उठाएंगे, हमें बैठे बिठाए 80% मिल जाएगा। लेकिन उनको 20% देने की क्या जरूरत? अरे हाँ तूने मुँह खोला तो मुझे याद आ गया, इधर आ। क्यों बे, जब मैं वहाँ पुलिस वालों की धौंस जमा रहा था तो तूने आकर बक दिया कि लोग हमारे आदमियों को कूट रहे हैं, यानी हम सब कमजोर हैं। तेरी तो भाई मारना, मार डॉक्टर हड़ताल पे। मारेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? बल्कि इनाम देंगे। तूने कहा था ना कि हमारा बंगला गंदा है, अब तू जाकर उस बंगले की सफाई करेगा। आज से कांचा भाई ने कारोबार की जिम्मेदारी रघू भाई को सौंप दी है। सौंपी नहीं, हासिल की है। भाई ये है मेंटल राजेश। सलाम भाई। इसने बचपन से ही जुर्म में कदम रखा है, हाल ही में अपने इलाके में मैखाना शुरू किया इसने। वहीं से मुसीबत ने पीछा पकड़ लिया और सारी औरतों ने जुलूस निकाल दिया है कि उनके शौहरों को लूटा जा रहा है। अब हफ्ता देते हैं तो अपना कारोबार तो करेंगे ही ना। हे हराम का खाकर तेरा कोटा पूरा नहीं हुआ तो अब शराब खाना भी खोल लिया। इसके है भाई, लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हो और तुम लोग उनकी कमाई लूटकर शराब में डुबाते हो, नकली शराब बनाकर उनकी जिंदगी का सौदा करते हो, कमीने हरामजादे। कहाँ गए सारे? नेक्स्ट है मसला बोल। इनके मसले सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा भाई। अच्छा
इसके ससुर ने इसे 2 लाख देने का वादा किया था। हाँ। 1 लाख तो दे दिया लेकिन दूसरे के लिए ठेंगा दिखा दिया। फिर इसे गुस्सा आया तो इसने बीवी का सिर जोर से दीवार के ऊपर पटका और घर से बाहर निकाल दिया। इस छोटी सी बात पे इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। ये भी कोई बात हुई भाई? ए, भाई इस लंगूर को ससुराल से पैसा चाहिए। मुझे नहीं भाई, इसे चाहिए। पैसे के लिए लड़की की जिंदगी खराब करेगा, उसे बदनाम करेगा, उसे गाली देगा। कहाँ गए बे, सब गुल हो गए? तेरे पास इसी तरह के मसले हैं क्या? मांडवाली के मामले तो ऐसे ही होते हैं भाई। मांडवाली के पैसे कभी अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते हैं। अगली बार अगर ऐसे मसले लेकर आया ना तू, तो फाड़ के रख दूंगा तुझे। अरे भाई, तो बहुत टेंशन में लग रहे हैं। चुप हो जा, तुम्हें नहीं पता सतर यहाँ पर आ रहे हैं और भाई उनसे डरते हैं। भाई इस बच्चे से डरते हैं? धीरे बोल भाई, इसकी बहन से मोहब्बत करते हैं। उसका कहना है उसका खानदान भाई की तरह नहीं है बल्कि फनकार लोग हैं वो। एक पेंटिंग जो मेरे भाई को मुतासिर कर दे तो मैं घर वालों को शादी के लिए रजामंद करवा सकती हूँ। आदाब उस्ताद जी। हाँ, आदाब आदाब आदाब। आपने होमवर्क कर लिया? जी किया है ना। हम अभी दिखाते हैं। सारी रात जाग कर बड़ी मेहनत से हमने इसे बनाई है। रात भर जाग कर ये नंग धड़ंग पेंटिंग बनाई है? क्या है ये सब? रहम दिल आसमान पेंटिंग का नाम है उस्ताद जी। इस पेंटिंग में खड़ा हुआ लड़का बेचारा यतीम है। इसके पास खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है उस्ताद जी। ये सब तो ठीक है, पर इसके कान कहाँ पर हैं? ये बेचारा बहरा है। बहरों के कान नहीं होते हैं क्या? लेकिन पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि कोई बहरा है, इसलिए कान नहीं बनाए। मतलब दिमाग नहीं होगा तो सड़कों भी गायब कर दोगे तुम। खैर बाकी का वाक्य बताइए। भूखे होने पर जमीन को देखता है और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ नजर उठाता है। तब आसमान इस पर रहम करके 3 बूंद पानी दे देता है। उस्ताद जी आपकी पेंटिंग तो वाकई बहुत खूब है। आपने अपने दिमाग में अपनी कहानी बैठा ली है, पर देखने वाले कैसे समझेंगे इसे? सब साफ समझ में आ रहा है। अरे क्या खास समझ में आ रहा है? क्या हुआ, क्यों इतना भौंक रहे हो? बहुत ही खास मामला है उस्ताद जी। इससे ज्यादा खास और कुछ नहीं है। आपके हिसाब से ये सबके समझ में आ जाएगा, यही बोला ना? हाँ उस्ताद जी, बिल्कुल साफ है। सुनिए यादव जी, इस पेंटिंग को देखिए और समझाइए कि क्या समझ में आया। आइए, इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो ये जंगल में आया और जल्दबाजी में लोटा लाना भूल गया तो पूछने के लिए झाड़ के पत्ते मांग रहा है। सही कहा ना? सही। देखिए पूरा मत मारिए, आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और इसीलिए आपकी पेंटिंग से बदबू आ रही है। आप ही बताएं क्या करूं मैं, पेंटिंग बनाते हुए हाथ कांपते हैं मेरे। शराब पीना बंद कर दो। पेंटिंग का शराब से क्या जोड़ है उस्ताद? अगर हाथ में शेक नहीं होगा तो पेंटिंग का शेक अच्छा बनेगा, समझ गए? कल मिलते हैं। कम्बख्त, तुझे इसी वक्त आना था। वो क्या पहुँचने के लिए पत्ते मांग रहा है? भाई भूल से गलती हो गई। आप जो भी सोच के बनाएंगे हमें बता देना, आगे से उस्ताद को हम वही बताएंगे। तो क्या तुम जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? हमारी पूरी बात तो सुने। वो रघु रोकड़ा है ना, उसने हमारे कारोबार की बुरी तरह से बैंड बजा रखी है। जब से शहर में कदम रखा है खुद तो नोट छापे जा रहा है और हमें कुछ भी करने नहीं दे रहा है। लोग बैंकों को महफूज समझते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पैसा नहीं भरेंगे तो जल्दी बैंक बंद हो जाएंगे और इससे सारा नुकसान होगा आम आदमी को। सिर्फ हमारे ही शहर में बैंक का 7,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। अगर आप वो कर्ज वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। हिस्से से ज्यादा आप उनको काम पसंद आया, सौदा मंजूर। कल से ही बंदे काम पे लग जाएंगे। शुक्रिया। हमें गलत खबर दी गई थी कि तुम कारोबार खराब कर रहे हो। तुम्हारे काम का अंदाज अच्छा लगा, खुश। अब उन काम करते हैं इंसाफ के साथ, यही अपना पॉलिसी है। भाई को पॉलिसी से मतलब नहीं, रोकड़ा चाहिए रोकड़ा। ए, अगर पैसे के लिए सौदा करेंगे तो भाई का नाम हर दिशा में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक बात है। लेकिन अगर पैसा एक तरफ रख के सौदा करेंगे तो भाई का नाम आसमान छुएगा, क्या बोलते हो? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अपने तरीके से कारोबार करो, चलते हैं टोपा भाई। जी बेटा। आ जाओ बच्चू, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। क्यों बे, वहाँ उस्ताद जी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई तुमने। आप गलत खबरें देकर हमारे बीच दरार डालना चाहता है, अब बताओ क्या करें इसका? भाई बख्श दे, डॉक्टर हड़ताल में है भाई। अच्छा तुझे बख्श दूं? ले बख्श दिया।
सब समझ लो, मामला प्यार से निपटाना है। जी बेहतर। जी बेहतर नहीं बे, ओके ब्रो कहो। ब्रो मतलब भाई, कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। फैल जाओ। क्या बात है जी, हम बैंक से आए हैं। अच्छा अच्छा, वो लेकर आए हो ना? क्या जनाब? क्रेडिट कार्ड के लिए अर्जी दी थी ना, वही लेकर आए हो ना? हम देने के लिए नहीं जनाब, लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए हो? क्रेडिट कार्ड की उधारी। अरे भाई मेरे, हमारे यहाँ सिर्फ इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं। मतलब सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। जनाब अगर ऐसी बात है तो हमें आप पर मुकदमा करना होगा। हम पर मुकदमा ठोकोगे? हम मीडिया से कह देंगे कि आप हमारे यहाँ गुंडे भेजते हैं। पुलिस वालों से कहूंगा कि आप औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। कर्जा देने वाला जितना होशियार होता है ना, उससे ज्यादा चालाक होता है कर्जा चुकाने वाला। हाँ हेलो, के मौर्य स्पीकिंग। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? हाँ जी बिल्कुल चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। बढ़िया रिकॉर्ड है हमारा, इधर बिल आया नहीं कि उधर पेमेंट क्लियर। थैंक यू, थैंक यू मैडम। ये हमारा सामान कहाँ ले जा रहे हो? अरे कार, अरे मेरी कार का, मुझे मार क्यों रहे हो? तेरे को शराफत की बोली रास नहीं आई ना, अब तेरे को रघु रोकड़ा की स्टाइल रास आएगी। ये रघु रोकड़ा कौन है? जब रघु रोकड़ा का हाथ पड़ता है तो सारा हिंदुस्तान घूमता चला जाता है। कैसे घूमेगा? घुमा के नहीं, पूरा चक्कर लग गया। आप ही रघु रोकड़ा हो? समझ गया ना, पहला पैसा दे फिर सामान ले। ए चलो रे। ये तो हमारा भी बाप निकला। किस फ्लोर पे है बे वो? थर्ड फ्लोर। हाँ दिखाई नहीं देता क्या बे? सर मैं तो ए माशूक के आशिक, निकल। ये चश्मा अच्छा है, रख ले इसे, इसे भी तोहफे में दे। चल निकल, चल चल रे। ये पब्लिक ऐसा नाच क्यों रहा है? आज वैलेंटाइन डे भाई। हाँ। लड़की आज फूल ले ली तो प्यार पक्का है भाई। कुछ भी क्या, सब बेकार की बातें, सब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। छोड़ी से चलो। आज हमारे सन सिटी मेट्रोपॉलिटन मॉल में हमारे शॉपर्स के फर्स्ट प्राइज जीतने वाले का टोकन नंबर है 153। क्या हुआ भाई? ये तो वही बस स्टॉप वाली लड़की है बे। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। आपकी तारीफ? सिमरन भाई, इसका नाम तो सिमरन है। बहुत खूबसूरत है ना? हाँ भाई। आपको इनाम में 25,000 रुपए मिले हैं, आप इसका क्या करेंगी? हम चाहते हैं कि आप इन पैसों को मेरी तरफ से किसी यतीम खाने में दे दीजिए। कमाल कर दिया, क्या दिल है यार। इस वैलेंटाइन डे पे आप यतीमों को इतना अच्छा तोहफा दे रही है, तो आप अपने आशिक को क्या देंगी? माफ कीजिए, मेरा कोई आशिक नहीं है। अबे ये किसी की माशूका नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि आपका आशिक कैसा होना चाहिए? सच कहूँ तो वो जज्बाती होना चाहिए। अगर कोई एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा भी पेश कर दे, मतलब गांधी जी के उसूलों वाला। अरे भाई, उसे फन की कद्र होनी चाहिए। भाभी को जैसी खूबियां चाहिए उनमें से आप में एक भी नहीं है भाई। खामोश। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू भाई, आपका गुब्बारा सही पते पर पहुंचा। भाई भाभी के हाथों में आपका फूल है, मतलब बात बन गई भाई। खामोश भाई, इन चोचलों को नहीं मानते। आप उन्हें ऐसे कब बोला? भाई वो देखो भाई, भाभी जा रही हैं। उन सभी लोगों को जिन्हें मोहब्बत का फूल मिला है, हमारी तरफ से उन्हें मुबारक हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या भाभी जी पता नहीं कहाँ चली गई? अब उनकी नजर से दूर लेकिन दिल के पास। आप आए बाहर आई जनाब, प्लीज वेलकम। आप आराम फरमाइए, शॉट रेडी होती है मैं आपको बुला दूंगा। hey, 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 रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। यस सर, यस सर। ला ला रा 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 ला 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 रा 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 ला 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 रा 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 ला 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 ला। कैसा लगा? नकल है, मतलब लवारिस की असली नकल है सर। कोरस डाल के इसे रिमेक कर सकते हैं सर। अब, वो अलग था, ये अलग है। वो साइकिल थी, ये टू व्हीलर है। वो हवा वाली, ये पेट्रोल वाली। बात ये जहर है। हेलो सर। ए शिवानी, वो देखो सर। आदाब सर। सुनो सर, उस ब्लू ड्रेस वाले को पहले भेजना, ब्रेक देते हैं। हाँ। आइए। आदाब सर। हाँ बैठो बैठो, बैठ जाओ। शुक्रिया सर। अपना तारुफ कराएं। सिमरन बहुत ही खूबसूरत, जैसे शबनम की बूंदे। देखो सिमरन, हमें ना तो सुर ताल का पता है ना किसी राग का इल्म है, फिर भी हम मशहूर मौसीकी हिदायतकार हैं। जानती हो कैसे? असल की नकल करके। आपसे किसी ने पूछा? खैर, अगर फिल्मों में ऊपर आना है तो अच्छे रिश्ते होने चाहिए। एक गुलकार और हिदायतकार का रिश्ता तो ऐसा होता है जैसे मियां बीवी का। ओ गलत ना समझे, कहने का मतलब कि दोनों में इतनी समझदारी होनी चाहिए। खैर मौसीकी की ये बेकार की बातें रहने देते और हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं। ए
सर शाम के लिए किसी होटल में कमरा बुक करो हाँ। और इनके लिए गाड़ी भेज देना। जी बेहतर। आप समझ तो गई ना? बहुत अच्छी तरह से। दिल तो कर रहा है कि चप्पल से पीटूं, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, समझ गए ना? हम किसी की सिफारिश पर नहीं, अपने फन पर यकीन करते हैं। कमरा कहाँ बुक करें सर? बात और टेलीकॉम चैलेंज में हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि सभी सेमीफाइनल्स में से फाइनल्स में कौन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी पहली कंटेस्टेंट है दिल्ली की श्वेता। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। हम जो नगमा सुनाने जा रहे हैं वो फिल्म शर्मीली का है, मेघा छाई आधी रात, जिसके गीत निगार है नीरज, मौसीकी हिदायतकार है एसडी बर्मन। हमारे उस्ताद का है। जब हम उनके पास सीखने जाते थे तब वो हमें प्यार से बेसुरिया कहते थे। सच में बहुत चाहते थे वो हमें। हमेशा कहते थे, उड़ी बाबा तू वो एक्टर है जो इंडिया के लिए ऑस्कर जीतेगा। धुन चुराने का अवार्ड होता तो मिलता ना। आपसे किसी ने पूछा? शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। गुड, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर। श्वेता ये कौन सा राग था? पट्टदीप राग। पट्टदीप राग मतलब सा रे गा मा सरगम। आरोह में क्या गाया? सा गा मा पा। रा कहाँ गया? इसमें रा नहीं होता सर। पता है रा नहीं होता, लेकिन तुम इसमें रा डालकर नया राग बना सकती थी, यही तो जादू है। खैर ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है और सभी ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन फाइनल में ऐसी गलती महंगी पड़ेगी, इसका ख्याल रखना। शुक्रिया सर। हमारी अगली कंटेस्टेंट है मुंबई से शिवानी। हम पेश कर रहे हैं हमने देखी है इन आँखों की फिल्म खामोशी से। गीतनिगार गुलजार, गुलुकार लता मंगेशकर और मौसीकी है हेमंत कुमार जी। ये हमारे उस्ताद जी का है और हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि हमारा इस नगमे से बहुत ही गहरा रिश्ता है। मत कह देना कि नगमा आपने लिखा है। उस फिल्म का नगमा बनाने के लिए हम और हमारे उस्ताद जी होटल ताज में सिटिंग कर रहे थे। हेमंत दा को तो आप जानते ही हैं, उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है। हमारा रिश्ता ऐसा था कि हम सारी सारी रात काम करते थे। एक रोज हेमंत दा गुनगुना रहे थे, हमने उस धुन को पकड़कर वही एक नगमा बना लिया और हेमंत दा हैरान हो गए। हमारे जजमेंट की बहुत कदर थी उन्हें। आपने यही गाना चुना है तो यह वाकई चैलेंज वाली बात है। खैर आप गाना शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के से रिश्तों का इल्जाम ना दो सिर्फ। अरे अरे यार तुम चैनल मत बदलो, रिमोट यहाँ दो। रुको ना। अरे क्या हुआ? ये तो अपनी वाली है। बस करो, इस नगमे का ना कोई सुर है ना कोई ताल। तुम्हें पता है तुम कितना बेसुरा गा रही हो? तकिता 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 धीमी 2/4, तकिता 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 6/8। इस नगमे का माहौल भी पता है तुम्हें, उसकी कद्र है क्या? हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस, कहां है वो रोमांस? रोमांस चाहिए, कहां है? मिसाल के तौर पर एक भूखा बच्चा माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ, दोनों में फर्क होता है। हर जज्बे की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी, सुर और ताल भी अलग अलग होते हैं। अगर तुम फैशन और सजने संवरने के बजाय नगमे पर मेहनत करती तो बेहतर होता। हमारी बात याद रखें। अफसोस हो रहा है कि हमारी फिल्मों का मियार नीचे गिरता ही जा रहा है। आप जैसी बेसुरी आवाज जिन्होंने मौसीकी को पेशा समझ रखा है, दिल मत तोड़ो हम जैसे मौसीकी हिदायतकारों का जो मौका देना चाहते हैं। हमें उदास मत करो, समझ गई? हम जिस मुकाम पर आपको ले जाना चाहते हैं आपको वहां पहुंचना ही नहीं है। उस होटल के कमरे में देखिए, फाइनल्स में पक्के इरादे से आए।
हम आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। ऑल द बेस्ट। पहले आप गुस्सा हुए, फिर ऑल द बेस्ट कुछ समझ में नहीं आया सर। ये तुम्हारी समझ से परे है। रोमांस में आपने एक्शन डाल के अच्छा नहीं किया है सर। अब एक्शन का रिएक्शन देखना। मुझे कब से सनम तेरे प्यार की प्यास है मन में, कैसे जीऊं तेरे बिन, मर जाऊंगा प्यासा मैं। अरे बंद करो शास्त्री, ये क्या बोले प्यास प्यास। जब मैं नहीं समझ पा रहा तो आवाम क्या समझेगी। आवाम समझदार है उस्ताद जी। बहस करोगे, तुम हमसे ज्यादा जानते हो। उस्ताद जी हाँ, आप कहें तो ख्वातीन सिंगर्स को अंदर भेज दूं, उन्हें देर हो रही है। वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मुफ्त में गाती हैं। अगर कुछ काम है तो सीधे हमसे बात करें ना, क्या तुम उनको गुलाम हो। वो उन्हें पता है ना कि आप बदले में उनसे क्या मांगे। अरे चलो हटो जाओ। अरे कुछ जोशीला सुनाओ शास्त्री। ठीक है उस्ताद जी। हाँ जोशीला। लड़की 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 है कमाल लड़की, खुली है दिल की खिड़की, तुझे देख कर ए लड़की तबीयत मेरी है भड़की, तू है कमाल लड़की। जनाब हाँ, आपसे कोई मिलने आए हैं जनाब। हाँ, भेज दो अंदर। जी जनाब। देखा ये है हमारे एक्शन का रिएक्शन, आखिर वो आ ही गई। लड़की लड़की लड़की, रुक जाओ शास्त्री। लड़की निकाल कर कड़की डाल दो। कड़की? हाँ ठीक है। कड़की 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 लड़की ने कर दी कड़की, लड़की ने कर दी कड़की, कड़की 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 लगे दिल की, कड़की 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 का वन टू थ्री कड़की लड़की हाँ लड़की हाँ लड़की। कोई मानवली का मामला है क्या भाई? नहीं भैया, ये जाति मामला है। ओ कड़की 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 है कड़की कड़की कड़की, अरे कड़की लगे दिल की कड़की है कड़की कड़की कड़की। नमस्कार जनाब। कौन हो आप लोग? हम आपके मुरीद हैं। मुरीद? जय सूर्या एसोसिएशन यूथ वाले। ये कब शुरू किया? बस हाल ही में उस्ताद जी। कल आप जैसे गिरोह ने आकर कहा कि जब हम स्क्रीन पे आएंगे तो तालियां बजाएंगे और ले गए 25,000, और एक ताली भी नहीं मारी। हम उनके जैसे नहीं है उस्ताद जी। फिर कैसे हो? उन्होंने पैसे लेकर भी नहीं बजाया, हम बिना पैसे के बजा डालेंगे। ऐसी बात है तो मुरीद जी बैठिए ना। शुक्रिया उस्ताद जी। वैसे यहाँ पर कैसे आना हुआ? बता दे उस्ताद जी, हम आपकी सालगिरह के मौके पर गरीबों को खिलाओगे ब्लड डोनेशन, और वो भी शहर में हर जगह पर। बहुत खूब, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दुआ नहीं उस्ताद, हमें खून चाहिए। किसका? आपका। या क्या वाहियात मजाक है? समझाते हैं। ए दरवाजा बंद कर बे। चलो बंद करो बंद करो। हमने सोचा है सारे शहर में आपका खून बांटेंगे। तू कौन है हमारा खून बांटने वाला? तो कौन होता है बे किसी को जहर करने वाला? वॉचमैन पुलिस को बुलाओ। अब हमें क्यों मार रहे हो? आइए कुछ बताएंगे जनाब। अरे हमारा कसूर क्या? अब समझा, मुंह खोलेगा तो यही जवाब मिलेगा, इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको शराफत से सुन। जो हुकुम जनाब। एक धुन बना, फिर उस पे नगमा लिख, उसे गा के सुना और हमें खुश कर। जी बेहतर। B22। ताली मार ताली, ताली नाद मुंह से गाली, ताली मार ताली, ताली नाद मुंह से गाली। जैसे पेशकारों और हिदायतकारों को चूना लगाते हो वैसे ही मेरे को लगाएगा। अब क्या खता हुई? क्या खता हुई अभी पता चलेगा। ये नल्ले को ओरिजिनल सुना। या अली रहमत अली, या अली। अब आई बात समझ में? हाँ आ गई जनाब। क्या समझ में आया? यही कि आप नई धुन सुनना चाहते हैं। तो सुनाओ। पता नहीं था आपको मौसीकी का इतना इल्म है। तारीफ के पुल मत बांधना, पहले गाना सुना। मालिक के करम से आज तक ओरिजिनल धुन बनाने की नौबत ही नहीं आई। आज आ गई। अचानक कैसे सोच लूं? आज सोचना पड़ेगा। हमारे हाल पर रहम कीजिए जनाब। जब हम मौसीकी हिदायतकार बने तो एक खूबसूरत धुन बनाई थी जो किसी को नहीं सुनाई। सुनने लायक थी ही नहीं। आज वो आपकी नजर करता हूँ जनाब। हाँ फाड़ गला। ना जाऊं यूं मुझको छोड़ के ना जा, बीमार का दिल तू तोड़ के ना जा, सब कुछ लुटाया मैंने पटाया मैंने, मोहब्बत में तेरी सबको भुलाया मैंने, हो जाएगा मोहब्बत में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा, बन जाऊंगा मोहब्बत में रब्बा, हो जाएगा मेरा मुरब्बा, लुट जाऊंगा मोहब्बत में। बहुत हो गया। क्या हुआ जनाब? ना इस नगमे में कोई सुर है ना ताल है, कितना बेसुरा गा रहा है तू। कितना बेसुरा गा रही हो? तकड़े तकड़े था 2-4 तकादिनी 6-8। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी फिल्मों का मियार गिरता जा रहा है। हमारे मुरीद तुम्हें ऊंचाई पर देखना चाहते हो, तुम हो कि गिरते ही जा रहे हो। जनाब समझ गए जनाब, आप लोग हमारे मुरीद नहीं हो, उसके मुरीद हो। कितने समझदार है आप, 4-5 थप्पड़ में समझ गए। जी बिल्कुल जनाब। दिमाग में बैठ गई? बैठ गई जनाब। फाइनल्स में उस लड़की को? अब कुछ मत कहिए जनाब, बस टीवी पर देखिएगा। बहुत खूब, जल्दी ऊपर जाओगे। इतनी जल्दी नहीं है, नीचे ही ठीक है। वो तो तुम्हारे किरदार पर मुनसिर है। आपके एक्शन का रिएक्शन तो वाकई में धमाकेदार था।
अरे सुनिए जनाब, ये रही आपकी पेमेंट की रसीद। क्रेडिट का बिल रघु भाई ने चुका दिया है। दोबारा कर्जा हुआ तो भाई आपके दो पैरों को चार कर देंगे। अरे ये यहाँ पर कैसे? मैडम आप उस कॉम्पिटिशन वाले प्रोग्राम की सिमरन जी है ना? हमें पहचानने लगे हैं। जी हाँ। लेकिन आज तो आपका फाइनल है, फिर आप यहाँ कैसे? हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हेलो भाई, भाभी प्रोग्राम में नहीं आई। क्या बोला? अभी किधर है वो? अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? अरे सिमरन जी, गुलुकार। जी हाँ, आप भी हमारे मुरीद हैं क्या? कोई ऐसे वैसे नहीं, बहुत जबरदस्त मुरीद हैं। हमने इतने SMS भेजे कि तब से हमारा आउटगोइंग ही बंद हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम तो वहाँ शुरू होने वाला है और आप यहाँ शॉपिंग कर रही हैं, जल्दी चलो। हाँ, दरअसल हम अपने मुरीदों को जवाब दे देकर थक चुके हैं। हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, समझ गए आप? उस्ताद जी, हम मुत्तू, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो अब तक नहीं आई। पता है। बताइए हम क्या करें जनाब? प्रोग्राम डिले कर बे। ये वाला अच्छा है ना? अरे अरे अरे, जरा आराम से चलो भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, कहाँ भागे जा रहे हो? दरअसल बात ये है जनाब कि सिमरन जी के प्रोग्राम का वक्त हो गया है, हमें उन्हें सुनना है जनाब। मतलब मेरी तरह आप भी उनके मुरीद हैं? जी बिल्कुल जनाब, अगर आप उनके मुरीद हैं तो आप टीवी पर उनका प्रोग्राम क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके मुरीदों के लिए बुरी खबर है दोस्त। वो क्या सर? वो हिस्सा नहीं ले रही हैं। नहीं, हमने कितनी मन्नतें मांगी, एक पैर पे खड़े रहेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, नंगे पैर बद्रीनाथ का सफर करेंगे, मगर लगता है अब हमें खुदकुशी ही करनी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए जरूर गाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए आराम से, जाइए जाइए जाइए। सिमरन जी, आप आंसुओं में जीत कर अपने मुरीदों को रुलाइए। What is this? ये भी कोई नगमा है? क्या धुन है ये? मुकम्बर रंजिश, ये कोई कचुंबर है? भाई ये लातों का बंदा है, बातों से नहीं मानेगा। अरे कमाल कर दिया, यकीन नहीं हो रहा कि ये किसी सेमी फाइनलिस्ट ने गाया है। तुम्हारी आवाज में कमाल का जादू है, इनके लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया तुम्हारी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे उन मुरीदों की जीत है जिनकी वजह से आज हमने हिस्सा लिया। बिल्कुल, भाई नहीं होते तो तुम कैसे जीती? माफ कीजिए। हम चाहते हैं कि वो भी हमारी एक इल्तिजा कबूल करें और ब्लड डोनेशन जैसे अच्छे काम शुरू करें। मेरी बस यही ख्वाहिश है भाई। मामू जान, जो लड़का आ रहा है आपने उसकी तहकीकात कर ली है ना? मंत्रालय वाले देशमुख जी से सिफारिश की है। अच्छा? अब जासूस की तरह हर किसी में बुराई ढूंढोगी तो वो तो हर इंसान में मिलेगी बेटी। ए, किसी के साथ कोई बहस नहीं, बिल्कुल प्यार से। बेहतर भाई, हमारी नजर में शादी एक पान की तरह है, कत्था चूना सही तो दोनों की जिंदगी में खुशियों के रंग और महक भर जाती है, नहीं तो वो सुपारी की तरह दिल भी कट जाते हैं ना, सही कहा ना? मैं तो उस गरीब की फिक्र कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी सब संभाल लेगी। वेलकम जी। हम पता अंदर आइए, आइए आइए आइए, बैठ जाइए। मामला सेटल कर दो ना, कितने दिन चक्कर कटवाएंगे? और अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मंत्रालय वाले देशमुख जी ने सिफारिश की है, आप हमें बिल्कुल पसंद आए, एक दूसरे को देख लें, अगर पसंद आ गए तो पीपी पीपी ढूम 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 हो जाएगा जल्दी। पीपी पीपी ढूम ढूम, हम क्या यहाँ कोई लड़की देखने आए हैं? आप यहाँ? अरे हाँ जी हाँ। तुम इन्हें जानती हो बेटी? जी बिल्कुल मामू जान, ये तो हमारे बहुत बड़े मुरीद हैं। वैसे नाम क्या है आपका? आपने इन्हें हमारा नाम नहीं बताया? बताया था बेटा, शायद भूल गई, इनका नाम है शरद कुमार। ओहो, काम क्या करते हैं? आपने ये भी नहीं बताया? ये भी बताया था, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। कहाँ पर? जनाब
आपने इन्हें कुछ भी नहीं बताया? मैंने तो सब कुछ बताया था शरद बेटा, ये टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ओहदे पर हैं। जनाब आप कुछ मत बताइए, हम ही सब कुछ इन्हें बताते हैं। मंत्रालय वाले देशमुख जी ने कहा है कि हम टाटा इंडिकॉम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमारा नाम शरद है। क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए दोस्त बन जाएं, तभी हमें एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलेगा, और जब अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में समझ लेंगे तब शादी के बारे में भी सोच लेंगे। तो ये बहुत ही तवील प्रोसेस हो जाएगा। हेलो, जी हाँ, ठीक है, हाँ हम भर देंगे। क्या बात है मामूजान? क्रेडिट कार्ड वाले हैं बेटी, जब तक खरीद ना लो प्यार से बात करते हैं। जहाँ एक ईएमआई मिस हुई धमकियां देना शुरू, यहाँ तक कि गुंडे भी भेजते हैं आजकल वसूली के लिए। क्यों ये गलत है ना बेटा? सरासर गलत है। लगता है भारत आके क्या करें। जनाब आप फिक्र मत कीजिए, हम डील कर लेंगे। आप रहने दें, हम संभाल लेंगे। क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम उन्हें समझा लेंगे। हमें एक मौका लेकिन दो आप क्या करेंगे? मिस्टर शरद, उन्हें जाने दीजिए, ये मामू जान का रोज का काम है, ये हमारा फर्ज है। हाँ बैठ जाइए। हम शरद। तुम शरद हो, वसूली वाले तो हम क्या करें जनाब? हम वो, हमें अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो, चलो निकले यहाँ से। लेकिन हमें तो आपने ही बुलाया था ना। आपको मैंने ही बुलाया था ना, अब मैं ही बोल रहा हूँ चलो निकलो। पर अंकल इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें ऐसे क्या, हम ऐसे ही बात करेंगे, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, फिर हम मंत्रालय जाके सबको बता देंगे। हम अभी आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम मंत्रालय के नाम से डर जाएंगे? सेक्रेटरी देशमुख हमारे करीबी दोस्त हैं। अरे आपके तो सिर्फ दोस्त हैं, हमारे तो रिश्तेदार हैं। आप समझते क्या हैं अपने आप? अरे यार इन्हें क्या जेल में चक्की पिसवाएगा? तुम अंकल आप जल्दी से अंदर जाइए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? देखिए हमें देशमुख जी। तू दोस्त किसे दे रहा है, चल यहाँ से। अंकल आप अंदर जाइए। अरे हमारी बात तो सुने, हमें उस बुड्ढे से कहना कि हमें देशमुख जी ने उनकी लड़की को देखने के लिए भेजा है। उन्हें मत बताना। क्यों 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 क्यों? कभी किसी से प्यार किया या होता तो यहाँ थोड़े ना आते। आप उनको हुआ है? किससे हुआ है? जिसको तू देखने आया है। वो भी आपको लव करती है क्या? वो अपन से लव करती है, इसलिए तू बाहर और अपन अंदर। सही बात है, लेकिन अब हम क्या करें? तुझे कुर्बानी देनी होगी। लेकिन हम क्यों दें और किस लिए दें? क्योंकि अपन बोल रहे हैं। अरे लेकिन आप हैं कौन? अभी बताता हूँ। पेमेंट नहीं करेगा? क्या बोल रहा था वो बदमाश? हमने उसे समझा दिया, जहाँ शादी के कार्ड बंटने वाले हो वहाँ क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते हैं। शुक्रिया बेटा। बेटा कहती है और शुक्रिया भी कहती है। रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी मत कीजिए, अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप हुई है। हमें आपसे एक बात पूछनी है, हमारे इस फ्रेंडशिप के एंगल में कोई ट्रायंगल तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं, एक वक्त में सिर्फ एक ही फ्रेंडशिप। तब ठीक है, तभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे। सही कहा ना? क्यों और कुछ खाएंगे? बिल्कुल समझ में आई। क्या समझ ही नहीं आई? जिंदगी भर याद भी रहेगा। क्या याद रहेगा? यही की गया था लड़की देखने, खुद भी देखने लायक नहीं बचा। तब क्या करेगा? कभी लड़की देखने नहीं जाऊंगा। अरे कांचा जी, आप जैसों की गोद में तितलियां और हाथ में हथियार होना चाहिए, लेकिन आप तो हाथ में पेंटिंग ब्रश लिए बैठे हैं। तो आप चाहते हैं कि हम फिल्मी विलेन की तरह लोगों पर जुल्म करें? पेंटिंग तो हमारा शौक है। मालिकुल मौत के हाथ में फूल अजीब है ना, कुछ गलत तो नहीं है ना? फिजूल की बात छोड़ो, काम क्या है? क्या बताएं भाई, हम तीन रातों से सोए नहीं। तो हम लोरी सुनाएं क्या? एक फनकार का दिल कितना नाजुक होता है, आप जैसे फनकार ही समझ सकते हैं। एक आपके जैसा ही गुंडा, एक दो टके का आदमी हमारे स्टूडियो में आकर हमारे स्टाफ के सामने हमें जलील कर गया। सिर्फ जलील ही नहीं किया, ढोल की तरह बजा दिया। क्या गलत कहा भाई? और आप इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? डॉक्टर और भाई लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, अंदर की बात भी नहीं। जुबान बंद रखोगे? तुम्हारी रुकेगी तभी तो मेरी चलेगी ना। हाँ तो भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो हमसे क्या चाहते हो? उसे तबियत का सबक सिखाएं। हम हसबे हैसियत है इसलिए पैसों में कोई कमी नहीं होगा, आपका जो भी चार्ज है वो अदा होगा, और उसे किस तरह मारना हम बताते हैं उस्ताद। आप उन्हें वैसा ही मारे जैसा उसने मारा था। अब उसने कैसे मारा था ये हमें क्या पता? हम किस मर्ज की दवा है जनाब, ऐसी धुलाई तो हमने कभी कपड़ों के भी नहीं देखी। जैसे शिवा मणि का ड्रम हो, जाकिर हुसैन का तबला हो, जैसे प्रीतम के गाने में नगाड़े बजते हो। थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ, थप्पड़ खाओ गाना सुनाओ। और इतना ही नहीं जनाब, उसने तो आप क्या रोलिंग टाइटल भी सुनाएगा। सिर्फ कॉपीराइट बाकी है जनाब, सारे इंस्ट्रूमेंट इन्हीं पे बजा डाले। अरे समझ गए भाई, आपको उसकी वैसे ही पिटाई करवानी है जैसी आपकी हुई थी, यही ना? जी बिल्कुल भाई। अब बताओ कौन है वो? रघु रोकड़ा। तू हमें हमारे आदमियों के खिलाफ भड़का रहा है। अबे बेसुरे ताल, तू मेरे कारोबार को बंद करवाना चाहता है? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे जनाब, 3 घंटे से एक ही पोज में खड़े खड़े हमारी कमर अकड़ गई है, थोड़ा आराम कर लूं क्या? नहीं लेटिए मत जनाब, नहीं तो ये आपको लेटा देंगे। उससे ज्यादा तो ये भौंक रहा है। ए, ए,
तू फनकार है इसीलिए तुझसे मैं अदब से पेश आ रहा हूँ। अगर ज्यादा फिजूल की बात किया ना तो हम तुझे उल्टा लटका कर पेंटिंग बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, बॉम्ब पर बिठा कर बनाऊंगा। अब आकर देख ले, तस्वीर तैयार है, दिल बाग बाग हो जाएगा। मुझे क्या देख रहा है, अपनी तस्वीर देख, एकदम निंजा टर्टल की तरह दिख रहा है। क्यों बे, तू सोने से लदा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकता है? हम बिजली का बिल नहीं भरते, क्रेडिट कार्ड का बिल कहाँ से भरेंगे? सुनिए, आप लोगों ने ज्यादा कुछ किया तो पुलिस के पास जाकर शिकायत करेंगे। आप लोग मेरे घर में घुसे, पुलिस के पास जाएगा शिकायत करेगा। ए, निकाल लो रे इसका सोना, सब निकाल लो। अरे छोड़ो छोड़ो इसे, अरे जाने दो प्लीज। क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो जान ले लेंगे। अरे भाई, हुस्ने सुलूक ही सबसे बड़ी इंसानियत है। चलो इनका बिल हम भर देते हैं। चलिए अब इनका सोना वापस कीजिए। जनाब आप अपना सोना लीजिए और जाइए यहाँ से। सिमरन जी आप, सिमरन जी आप यहाँ कैसे? मंदिर जा रहे थे, आपको देखकर रुक गए बस। अरे वाह, अजीब इत्तेफाक है, हम जा रहे थे लेकिन यही सब देखकर रुक गए। हम हर शनिवार को मंदिर जाते हैं, साथ चलते हैं। वो हमारे भाई को मार रहे हैं। अरे हट, दोबारा अगर दिख गया ना तो चमड़ी दे दूंगा। आपको भाई भाई क्यों कह रहे हैं? बड़े शहर में शरीफ लोग एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते हैं। आप यहीं रुको। अरे जनाब जनाब जनाब, क्या कर रहे हैं जनाब? रुकिए रुकिए, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आप ही की तरह एक इंसान इंसान सुनिए, रुक जा, तेरी भाभी अपन को देख रही है, इससे हम बाद में निपट लेंगे, समझा? अरे जनाब हमारी बात सुनिए प्लीज सर, प्लीज सर। अरे दोबारा दिखे ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। दूर दूर तक इस इलाके में नजर मत आना। जी जनाब, तुलवा के भेजूंगा। अरे सिमरन जी आप, चोट तो नहीं लगी ना आपको? पिटाई हुई तो कुछ तो लगेगी ही ना। जनाब ने हमें बचा लिया। अरे हमने नहीं, इन्होंने आपको बचाया, इनका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया। उसने बिना वजह आप पर हाथ उठाया, फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। देख लेना, रात को उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वैसे भी गांधी जी ने कहा है कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। हम वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसने मारा है उसे ना मार कर गांधी जी की आत्मा को शांति तो पहुंचा सकते हैं। कभी रघु रोकड़ा पे हाथ उठाएगा? ये पूरे 10 लाख है भाई, ये पैसे ले जाकर अंदर रख ले। आपके आदमियों ने मुझे बहुत मारा, माफ कर दे। आप उनके छोकरों के बॉक्सिंग प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई, खत्म होगी तो छोड़ देंगे भाई। मैं आपके पैर भरता हूँ भाई। हेलो, हम बोल रहे हैं सिमरन। अरे सिमरन जी बोलिए ना। जी कुछ नहीं, बस आपसे मिलना चाहते थे। जी बिल्कुल, कहिए कहाँ मिलना है? दफ्तर छोड़कर आप हमसे मिलने मत आइए, आप वहीं रहिए, हम आपके दफ्तर आ जाते हैं। जी बेहतर, आ जाइए। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। सिमरन आ रही है। यहाँ आ रही है? नहीं दफ्तर में। किसके दफ्तर में रघु? मतलब शरद के दफ्तर पहुँचेगी। सुनिए मैडम, शरद कहाँ मिलेगा? कौन शरद? वही जो हाथी के बच्चे के जैसा दिखता है, वहाँ उस कैबिन में। और ये हुआ क्या, क्या चल रहा है? जल्दी से अपना कोट उतार। लेकिन हमारे कोट का क्या करेंगे? उतारेगा या उतरवाऊं? कोई अपन से मिलने आया था क्या? आपसे मिलने यहाँ कोई क्यों आएगा? समझाया था ना, जब जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास आऊंगा। सर इधर उधर की बटन मत दबाना, सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। ज्यादा फिर मत कर बे, अपने को सब पता है। तो हम कौन है? हाय शरद। हाय 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 हाय, प्लीज कम। शरद इनकी तारीफ आप गेस कीजिए। आपके पीए? बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? अबे कुछ बोल। सिस्टम एनालिस्ट विद डेटाबेस कम्युनिकेशन स्किल्स। मैडम ने हमसे पूछा है, आपसे कहा जाकर टी कॉफी कुछ ऑर्डर कीजिए मैडम के लिए। आपका ऑर्डर ही तो फॉलो कर रहे हैं सर, खुद कहने के लिए कहते हैं फिर मना करते हैं। हे मिस्टर, हमने 2 दिन पहले कहा था कि हमारे लैपटॉप में वायरस आ गया है, आज क्लाइंट आने वाले हैं, उन्हें प्रेजेंटेशन देने का इरादा है या नहीं ये बोलो। शरद ये तुम्हारे बजाय इस पीए से क्यों बात कर रहे हैं? हम एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए वो पीए से बात कर रहे हैं। कोई मसला है क्या? ईगो का मसला है। कुछ कहें तो रिश्ता तय करने के बहाने तुम छुट्टी पर चले जाते हो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ये ऑफिस है, कैफे है, या तुम्हारे गेस्ट रूम? कौन है ये लोग? दोस्त। अरे आपसे किसने पूछा, आपके बीच में घूम रहे हैं। हमें पता था, हमें पता था आप यही कहेंगे। कहिए सर, कहिए आप कौन हैं? आपका रुतबा क्या है? आप इस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? और ये भी पूछेंगे कि ये मोहतरमा कौन है? बिल्कुल, कौन है ये लड़की? जनाब ये हमारा आपस का मसला है, इसमें दूसरों को मत घसीटिए। किसी भी लड़की से पूछेंगे आप कौन है तो ये बेइज्जती हो जाएगी। ये कोई लॉर्ड गवर्नर या वजीर आला है? ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई वजीर आला नहीं है। नहीं, ये लड़की सेलिब्रिटी है? सच में? किस फील्ड में? मौसीकी।
सिमरन जी ग्रेट सिंगर है। आप तो ऐसे कह रहे हो मानो ये लता मंगेशकर हैं। हमने तो इनका नाम तक नहीं सुना। सिमरन जी आप बुरा मत मानिएगा, इन्हें बात करने की तमीज नहीं है। मिस्टर आप मेहनत करके इस कंपनी के सीईओ तो बन सकते हैं पर एक सिंगर नहीं। आप जैसे बदतमीज के तो हम मुंह भी लगना पसंद नहीं करते। हमारे ऑफिस में हमारी बेइज्जती कैसी बेइज्जती। हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आइए मैं आपको कूड़ेदान दिखाता हूँ, आइए वहाँ धोखिए। आइए चलिए। छी 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 क्यों भाई शरद तुम सड़क छाप लोगों को हमारे ऑफिस में लाकर हमारी ही इज्जत उतरवाते हो। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। अगर ताल्लुक नहीं तो वो आपके केबिन में आपका कोट पहनकर आपकी कुर्सी पर कैसे बैठे थे? कुर्सी की क्या बात है सर, वो तो मेरी कुंडली में घुस गया है। आप परेशान क्यों हो रहे? बताइए। रहने दो शरद, उसने क्या कुछ नहीं कहा फिर भी तुम खामोश खड़े रहे। लड़ाई झगड़ों से हम भी दूर ही रहते हैं लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है ना, लोग इसका फायदा उठाते हैं। कल भी वहाँ पर उस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया और तुमने कहा उसे खुद एहसास होगा। कहाँ हुआ एहसास उसे? अरे भाई साहब हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, आप पे हाथ उठाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। एक बार आप हमें माफ कर देंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। नहीं, नहीं। एहसास से बढ़कर कोई तौबा नहीं, खुद को देखिए कितने बदल गए हैं। हम भी यही चाहते थे, आगे से किसी पर हाथ मत उठाना। बिल्कुल नहीं उठाएंगे भाई साहब। सिमरन जी हमारा सारा घराना आपका दीवाना है, हमारी दुआ है कि आपको इनके जैसे नेक इंसान मिले। चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा शरद, तुम्हारा ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने तो बस वही किया है जो गांधी जी ने कहा है। खैर आप हमें ये बता सकती हैं कि हमारी ये जो फ्रेंडशिप है वो कहाँ तक पहुँची है? शादी के मंडप तक पहुँच चुकी है। सुना है एमएफ हुसैन की नुमाइश लगी थी भाई, उन्होंने करोड़ों कमाए। क्यों ना हम भी वैसी नुमाइश लगाए और करोड़ों रुपए कमाए जनाब। खामोश, फन की कीमत नहीं होती। इस पेंटिंग को फ्री में भी दोगे ना तो भी कोई नहीं खरीदने वाला। हम पर नहीं पेंटिंग पर ध्यान दो। ये लोग खलल डाल रहे हैं, देख तो रहे हैं ना। अगर तवज्जो नहीं दोगे तो इनकी तरह लफंगे बन जाओगे तुम। बहुत बोल रहा है। ए, जरा तमीज में रहो। तुमने ये अच्छा नहीं किया सिमरन, नगमे का मुकाबला जीत कर सेहरा अपने फैंस के नाम कर दिया। इस बड़े भाई के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। अगर हम आपका जिक्र करते तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाता ना। क्या बात है सिमरन, तुम तो बहुत दूरंदेशी हो। छे, ये तो सोचा ही नहीं था। इतने सोचने वाले होते तो वजीर आला नहीं बन जाते। हाँ सही कहा। मामू जान जी, मोमानी जान, बोले बेटा, छोटी बहन का ख्याल रख रहे हैं ना? ये हमारी औलाद ना सही बेटा, लेकिन हमारी औलाद से भी बढ़कर है ये। खैर आपकी ये पेंटिंग की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँच गई? उस्ताद जी की दुआ से पेंसिल से ब्रश पकड़ना सीख लिया है मैंने। पेंसिल से ब्रश पकड़ने में छोटे बच्चे को सिर्फ 2 ही हफ्ते लगते हैं, इन्हें तो पूरे 2 साल हो गए। उस्ताद जी हमारी छुटकी आई है इसलिए दिल नहीं लग रहा है, आज पेंटिंग से छुट्टी दे दीजिए ना। तुमने दुनिया के बदलते रंग कभी देखे? जब लोग हमारे पास कोई मसला लेकर आते हैं तो हमें मालिक मालिक पुकारते हैं, मगर जब घर बसाने की बात करते हैं तो कोई हमें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता, हमें गुंडे की नस्ल कहते हैं। अब तो शादी के दिए बुझते दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो इसलिए हमने तुम्हें मामू जान के हवाले कर दिया। कोई लड़का तुम्हें पसंद आया? जी हाँ पसंद आया। अरे वाह, कौन है वो लड़का? बचपन से हम जिस तरह की लड़के के बारे में सोचते थे ना, हमें बिल्कुल वैसा ही लड़का मिला है। वो हमारा जबरदस्त मुरीद है, नाम है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो देर किस बात की, जल्दी बुलाओ उसे, तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप, दिल का दौरा पड़ जाएगा उसे। क्यों, वो दिल का मरीज है क्या? आप भी ना भाई जान, वो बहुत शरीफ इंसान है, हमने अपने खानदान का इतिहास बड़ी मुश्किल से छुपाया है उससे, वरना भाग जाता। ऐसी बात है क्या? तो फिर क्या किया जाए? आप क्यों फिक्र करते हैं भाई जान, हमारे दिमाग में एक बढ़िया मंसूबा है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह सूट बूट पहनकर कहाँ चल दिए? सिमरन के घर वालों ने अपन को मिलने को बुलाया है, वही जा रहा हूँ। ओहो हेलो रघु सर, हम शरद बोल रहे हैं। कौन शरद? वही जो हाथी के बच्चे जैसा दिखता है। हाँ तुम हो, बोलना। अब आपसे क्या बताएं सर? तो फिर मत बता। अरे नहीं नहीं, नहीं बताता हूँ, आपने हमारे नाम का इस्तेमाल किया ना तो हमने भी आपके नाम का इस्तेमाल किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा जनाब पैसे। जानते हो हम कौन है? नहीं जनाब। इस साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, सारी साइड को मिला के इंडिया बनता है, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा से वाकिफ है। आप रघु रोकड़ा? यस। आपको जो चाहिए आप ले जाइए, जरूरत पड़े तो फिर आऊंगा। बल बच गया। शाबाश मेरे शेर, बिंदास मेरे नाम को इस्तेमाल कर। वही तो कर रहा था सर। जनाब पैसे। जानते हो हम कौन है? नहीं जानते। इस साइड कोहिमा,
वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, सारी साइड को मिला के इंडिया बनता है, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता है। तू रघु रोकड़ा है? यस। ए तेरी तो गिरेबान की पगड़ी। कौन है तू? काला चौकी का इंस्पेक्टर। मेरे साले साहब ने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो तुमने उसे बहुत पीटा। जहाँ शहद होता है वहाँ शहद की मक्खी भी होती है, थोड़ा एडजस्ट कर। वही तो कर रहे हैं। आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे क्या? क्या करना है? इनका कहना है कि हम रोज पुलिस थाने आके आपकी दस्तखत करें। अरे मेरी इजाजत है? अगर हमने जाली दस्तखत किए तो ये लोग हमारी कुटाई कर देंगे। अभी तू बताएगा अपन क्या करेगा? आप यहाँ के इंस्पेक्टर को बता दे कि आप ही असली रघु रोकड़ा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो 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 हेलो। अभी तक तो आवाज बिल्कुल साफ थी। तो मोबाइल वाले को बोलना मेरे को क्यों बोल रहा है। पर उसका मोबाइल कौन सा है भाई? अगर असली शरद आसपास रहा तो सारा भांडा फूट जाएगा, उसके गेम बजा देंगे। चुप है, मौका देखकर सिमरन को बता दूंगा। हाँ जी बेहतर भाई। भाई ये तो गोल गोल घूम रहा है। ये क्या है यार, हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूमते रहेंगे या अंदर भी जाएंगे? जनाब यहाँ से अंदर आइए। हमें बेवकूफ समझाए क्या? तेरी तो हैट। हाउ डेयर यू अर्जुन, आप हैं? धोखा खा गई ना। आप तो इसमें पक्के बिजनेसमैन लग रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है बाजी, ना बोलो तो पीट देंगे उसे। मुछड़ कहीं के, मुंह खोला तो जुबान खींच लूंगी। मुंह बंद रखो अपना, वरना हमारी सगाई जुदाई में बदल जाएगी। सुन लिया? जी भाई। जैसा कह रही है वैसे ही करना। जी भाई। और हाँ सिमरन, शरद जी आए कि नहीं? कौन हो तुम लोग? मेरी गाड़ी मिली थी क्या मरने को? चुपचाप गाड़ी चला। लेकिन अपुन को जाना किधर है? अपना मुंह बंद कर, जैसा करो वैसा कर। अपुन किसी खास काम से जा रहा है, तुमको क्या चाहिए बताओ। ज्यादा होशियारी मत दिखा किंग। कौन किंग? कहाँ का किंग? कहाँ ना गाड़ी मोड़। अरे एक्शन फिल्मों की तरह ये गाड़ियां कहाँ से आ गई? अच्छा खासा लड़की को देखने जा रहा था, कहाँ से आ गए तुम लोग? चुपचाप गाड़ी चला। भाई पकड़ लिया उसे। साइड कोहिमा, साउथ साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, सारी साइड मिलकर इंडिया बनता है, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा से वाकिफ है। फिर ये किंग कौन है बे? ए किंग, मार डालो इसे। Yeah.
बात क्या है, अभी तक नहीं आए? ट्रैफिक में किसी के साथ मारपीट तो नहीं हो गई? मारपीट मारपीट हुई तो खुद ही पीट कर आ जाएगा। एक बात पता है आपको, वो खून देख लेना तो उसी वक्त वहीं बेहोश हो जाता है। अरे बाप रे। गलत आदमी को नंबर लग जाए तो माफी मांगकर फोन कट कर सकते हो, लेकिन गलत आदमी पर हाथ डालोगे तो हाथ जोड़कर माफी भी नहीं मांग पाओगे। कि शरद भी ना, कहाँ रहे क्या? हाय, कितनी देर हो गई, भाईजान कब से इंतजार कर रहे हैं? भाईजान? भाईजान के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं, उन्होंने ही हमें मामूजान के पास पढ़ाई के लिए भेजा था। तुम्हारे भाईजान करते क्या? उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। चलो उनसे मिलवाती हूँ। भाईजान, भाईजान ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद ये है हमारे भाईजान कांचा, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जलजले से पहले कयामत आ गई। बातचीत से तो मानो मदर टेरेसा हो। हाँ? लेकिन ये तो हिटलर के बहन निकली यार। लेकिन भाई आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ भाईजान, ये है शरद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शरद ये है हमारे भाईजान कांचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। क्यों बे रघु, तू शरद बनकर मेरी बहन को बेवकूफ बना रहा है? हाँ? आप ये किससे कह रहे हैं? तुझसे कह रहा हूँ, और किससे कहूंगा? हमसे? हाँ, तुझसे ही रघु। रोको, ये क्या कह रहे हैं, इनका नाम रघु नहीं है, शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है या फिर रघु। शरद, शरद। अरे छुटकी, ये मेरे लिए 20% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, ये मक्कार कोई शरद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं भाईजान, इन्हें मामूजान के दोस्त देशमुख जी ने हमारे पास भेजा था, हम इनके दफ्तर तक जा चुके हैं, इतनी मुश्किल से इन्हें पसंद किया था और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि हम आपकी बहन हैं तो कोई शरीफजादा हमसे शादी नहीं करेगा। सबसे हम यही कहते रहे कि हमें गुंडों से नफरत है, इतनी मुश्किल से हमें ये मिला था और आपने बिना सोचे समझे गन निकाली। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की, इसके मुंह पर पानी का छींटा मारो और होश में लाओ। शरद तुम ठीक हो? इसे पकड़ो। यही इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है क्या? और ये गन क्यों? ये रघु रोकड़ा कौन है? शहर का मशहूर बदमाश। हाँ। है एकदम आपका हमशक्ल है भाई। हाँ। लेकिन ये गन किस लिए? अरे भाईजान बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं, तो एहतियातन गन रखनी पड़ती है इन्हें। ये दुश्मन, ये गन, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना समझो तो बेहतर है, एक्सपोर्टर्स के साथ हमारी अर्जेंट मीटिंग है, हमें देर हो रही है, चलो सब लोग। मस्त है आइडिया, एकदम मस्त है। नमस्ते भाई। हाँ ठीक है, रघु कहाँ है? जी वो ये जी क्या लगा रखा है, कहाँ है वो? वो सो रहे हैं जनाब। अरे कोई शहजादा है जो अभी तक सो रहा है, जगाओ उसे। अरे उठो भाई, उठो। अरे उठो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे उठो, नहीं है क्या, जल्दी उठाओ इसको। कौन है बे, काय को उठा रहा है मेरे को? हाँ पार्टनर, तुम आया? सुबह सुबह कमीशन लेने को पहुंच गया क्या? नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। क्या यकीन नहीं हो रहा, तू खामोश रह। अरे यार रघु, तू रात में 10:30 बजे कहाँ था? काला चौकी पुलिस थाने। पुलिस थाने किस लिए? क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के रिश्तेदार को धमकी दी तो रात भर लॉकअप में था। अच्छा। हाँ, एसीपी रमेश को जरा कॉल करना। यार जनाब। हाँ रमेश, तुम्हारे लॉकअप में रात में रघु था क्या? हाँ, उसकी ऐसी जगह पिटाई की है कि वो कभी नहीं बैठ पाएगा। हमारे साले साहब पर हाथ उठाएगा? ये ले, और ले। माफ कर दीजिए। अच्छा ये बताओ, तुमने वहाँ से उसे कितने बजे छोड़ा था? हमने उसे ठीक 11 बजे छोड़ा था जनाब। पक्का है? 100%। अरे पार्टनर, सारी रात उसने तुम्हें लॉकअप में रख कर तुम्हारी अच्छी तरह से बैंड बजाई, तुमने उन्हें बताया नहीं तुम हमारे आदमी? तुमको लगता है ऐसा करके बचेगा? वर्दी की गर्मी दिखा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सच कह रहा है, वो या ये। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं पार्टनर। अरे बाप रे, समझ नहीं आ रहा है कि दोनों हूबहू एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अरे मैं बताता हूँ ना भाई,
जानते हैं दिवाली वाली रात हमने टीवी पर पुरानी फिल्म देखी थी, उस फिल्म में एक रईस घराना दिखाया था भाई, उसमें बड़ी मन्नतों के बाद एक ट्विंस जन्म लेते हैं। ये ट्विंस क्या होते? जुड़वा बच्चे भाई, अंग्रेज की औलाद, हिंदी बोल। अब बता। तो उनकी पैदाइश की खुशी में आम दावत होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता है। आगे की कहानी हमें पता है। एक बच्चा अपने टोपा भाई को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे खानदान में पला जिसे हमारी छुटकी ने पसंद किया, और वो है हमारा शरद। यही ना? बिल्कुल सही भाई। जी भाईजान, जरा अपने शरद का पता बताना। सिमरन, हमने उसे रघु रोकड़ा समझकर उस पर अपनी गन तान दी थी, उससे हम माफी मांगेंगे। खाने के वक्त कौन आ गया? आप? अरे बाप रे, नहीं 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 नहीं, अबे खोल, अरे खोल। नौकरी से निकलवा के पेट नहीं भरा तो घर चले आए? हाथ जोड़ता हूँ, हमारा पीछा छोड़ दे। दुनिया में तू सिर्फ एक ही शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो शरद ही है। इसीलिए तो मीट चौकी पुलिस स्टेशन में रात भर डंडे और जूते पड़े। अरे बेटा कौन है? अबे तेरी तो फैमिली है, अब उनको लगा तू अकेला है। ये क्या सर, ये दोनों तो हमारी जिंदगी के पहले एपिसोड से हैं। लेकिन अभी इनका क्या करने का? आप चिंता मत करें सर, हमारी दादी जान नबीना और दादाजी बहरे हैं। हाँ, ये तो काम की बात निकली। दादी जान देख नहीं सकती, दादा जान सुन नहीं सकते, और जनाब को अकल नहीं है। ये खानदान आप ही के लिए बना है सर। अरे बेटा ये लोग कौन हैं? दोस्त, हमारा नाम शरद है। अच्छा। तुम भी लल्लू की तरह ही हो। वैसे एकदम से तुम सारे दोस्त यहाँ पर कैसे? शरद को देखने के लिए एक लड़की आपके घर आ रही है। अच्छा। मतलब जब जब वो आपको देखने आएंगे आप यहाँ चले आएंगे? अरे लल्लू सुन। जान, लल्लू यहाँ है। ध्यान रहे कि हमें दिखाई नहीं देता और इन्हें सुनाई नहीं देता, ये बात उन्हें मत बता देना। और हाँ, उनके सामने तन कर रहना वरना वो भाग जाएंगे। दुरुस्त कहा आपने। एक बात और, तुम मेरी बगल में ही बैठना कि मैं चुटकी बजा के तुम्हें इशारा कर सकूं, उन्हें कोई शक नहीं होगा। अरे वही लोग होंगे, चलिए जी जल्दी जल्दी चलकर बैठ जाते हैं। कहाँ? भाईजान आप यहाँ कैसे आए? बताना। शरद भारिया भाई। सही कहा, जो हमने तुम्हारे साथ किया उसका हमें बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं भाईजान, इसलिए हमने सोचा कि जाकर माफी मांग लें और तुम्हारे घर वालों से भी मिल लें। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है, मेरा दोस्त। यार वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, अजीब इत्तेफाक है। सही कहा आपने, अपने घर वालों से मिलवाओ। ये कांचा जी है, सिमरन जी के बड़े भाई, अपनी गलती पर शर्मिंदा है, माफी मांगने आए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अरे शरद तुम मेरे पास बैठो। हम अपने बच्चे की तारीफ नहीं करते, लेकिन ये हीरा है और बड़ा ही नेक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दादा जान, दादी जान, हमने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसल ही समझे। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियाँ दी, इसने आपको नहीं बताया पर हमें रो रो कर बताया। भूल जाइए, हम उससे भी बेहतर रिश्ता देखेंगे। अरे देशमुख नाराज क्यों हो रहे हो? होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। देशमुख साहब आदाब। आदाब, आइंदा से अच्छी तरह से सोच समझ कर बोला करें। अरे मैंने क्या कहा? खैर ये कौन है? शरद। अच्छा ये भी शरद है? जी हाँ ये भी शरद ही है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? हमारा लल्लू कहाँ है? सोच समझ कर मामला संभालना होगा। जनाब आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए, हम तो चेहरे देख कर ही चकरा गए थे, इसीलिए गलती हो गई हमसे। शरद तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है, तुम खूबसूरत हो, हम तुम्हारे लिए भी एक लड़की देखते हैं। खामोश रहिए। हाँ? शरीफ आदमी होकर ऐसी बातें कर रहे? रिश्ता पक्का होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहे? क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं देख सकते? अभी दिखाते हैं क्यों नहीं देख सकते। हमारे साथ आइए। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे हमारे शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखोगे? हमें धकेल क्यों रहे हो? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए हमने दूसरे रिश्ते की बात की, इसमें बुराई क्या है? हेलो, हमें सूट बूट में देखकर शरीफ समझ रहे हो क्या? दिखाएं क्या? हाँ दिखाओ, क्या कर लोगे तुम? ये जनाब तो चैलेंज पर उतर आए। ए गोटिया, इन्हें जरा कोपचे में ले जाकर अच्छे से धुलाई कर, फिर पता चलेगा कि हम कौन है। ले जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? गलतफहमी। शरद हमने तुम्हें अपने पास बैठने के लिए कहा था ना, बेटा जगह बदल लो। दादी जी वो आ रहे हैं, बैठे रहो। हमने देशमुख साहब को अच्छी तरह से समझा दिया है, कोई मुबारक दिन देखकर तारीख पक्की कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप हर बात को दो मर्तबा कहते हैं। जी हाँ, हाँ। सुनो शरद जरा मेरे साथ। हाँ। चलते हैं फिर मिलेंगे। अच्छा बेटा। अरे बेवकूफ, तुम्हारा साला तुम्हारे साथ चाल चल रहा है, उसे तुमसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त में दिलचस्पी है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर आप सोचेंगे ना तो गलत फहमी में ही निकल लेंगे। ठीक है ठीक है। लल्लू क्या है ये? खुद ही खोल कर देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? आपके साले ने। आपके छोटे भाई ने? नहीं नहीं मैंने। हाँ आपने?
हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कमाल है, बेमिसाल है। देख लिया तुम लोगों ने, शरद इंजीनियर होने के बावजूद फन की कद्र करते हैं। वो कमबख्त रघु रोकड़ा फन का फा भी नहीं जानता। साले साहब, आखिर ये रघु रोकड़ा है क्या चीज? आदमी नहीं, खबीस है, खबीस। कमीना पैसों के लिए कत्ल करता है, कूड़े का डिब्बा है, घटिया आदमी है। छी 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 छी। खैर, खुशी के मौके पर उस कमबख्त की बात किस लिए? हमें छुटकी को खुशखबरी सुनानी है, चलते हैं अभी। जी बेहतर, अपना ख्याल रखें। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन पक्के ड्रामेबाज हैं। किस तरह से आपको गालियां देते हैं। ड्रामे का आगाज उन्होंने किया, अंजाम तक अपुन ले जाएगा। शरद और रघु की चक्की में ऐसे पीसूंगा कि उनकी समझ में नहीं आएगा कि बारात शरद के घर से आ रही है या रघु के। अरे तुम हमारी बात सुनो, वेस्ट इंडीज पर लगा दो 25। अरे क्या है, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? जब देखो पैसे 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 करते रहते हो। अरे दादू, इनके घर फोन करके कहें कि पैसा पहुँचा कर अपना पार्सल ले जाए। अरे दादू, हमें अभी 50,000 चाहिए थे। पिछला उधार तो अब तक चुकाया नहीं और फिर भी पैसा मांगने मुंह उठा कर आ गए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर हम किस लिए जिंदा है? आज तो छोड़ दीजिए हमें, हमें जिंदा नहीं रहना, हम मरना चाहते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दे हमें, छोड़ो। अरे ये लो, पकड़ो पैसे। हम पर भरोसा रखे दादू, हम आपका पैसा चुका देंगे, हम सारे के सारे पैसे लौटा देंगे। अरे शफीक भाई, हम 50,000 भेज रहे हैं, 25 यहाँ और 25 वहाँ, ठीक है? ये क्या भाई, इस शैतान को कब तक झेलेंगे? जब तक पैसा वसूल नहीं होता तब तक झेलना पड़ेगा। क्या बात है? किंग जिंदा है। बड़ी खुशखबरी सुनाई भीमा, कि हमारा भांजा किंग इसी शहर में है। तलाश जारी रखें, ढूंढते रहें। दादू, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे, आज हम सभी खुशी मनाएंगे। खर्च की फिक्र ना करें, दिल खोलकर खर्चा करें। जाइए जाइए जाइए, पहले वो मिल तो जाए। वो यकीनन मिलेगा, आखिर जाएगा भी तो कहाँ, अब हमारी कैद में ही समझे उसे। तुझको दिल दी। सिमरन, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, बात ही है खुशी की। अच्छा? हमें लग रहा था कि रघु रोकड़ा डबल गेम खेलकर हमें चूना लगा रहा है, लेकिन हम गलत थे। वो दो हैं, वो अलग, ये अलग, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हमने उसे इसीलिए चुना कि हमारे खानदान में घुल मिल जाएगा। सुनो सिमरन, इससे पहले कि उसे हमारे खानदान की असलियत पता चले, हम तारीख रख कर बारात बुलवा लेते हैं, क्या ख्याल है? जो आप बेहतर समझे। अरे अरे, देखो कैसे शर्मा रही है। बिटिया की कुंडली बिल्कुल राधा जैसी है और राजकुमार की श्याम जैसी। फिर इंतजार किस लिए, कल ही नगाड़े बजा देते हैं। बिल्कुल शुरू कीजिए, लेकिन मुबारक घड़ी 1 घंटे में है। ये क्या कह रहे हैं आपको, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल लग रहा है पंडित जी? आपने एकदम से बुलवाया, हमने एकदम से देखा, मुबारक घड़ी भी एकदम से ही निकली। अब 1 घंटे में सारा इंतजाम कैसे होगा? दूसरा देखिए। दूसरा वक्त नहीं, दूसरा वर ही देखना पड़ेगा। ए पंडित के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उल्टा सीधा बोलेगा ना तो तबला बजा दूंगी तेरा। बेटी नाराज मत हो, मामला ये है कि अगर ये सगाई वक्त पर नहीं हुई तो बहुत अड़चने आएंगी, और यही नहीं, मामू की जान को भी खतरा है। इस जोड़े की पहली औलाद अपने बड़े मामू की कुर्बानी ले लेगी। अरे मैं कोई बकरा हूँ क्या जो मेरी कुर्बानी ले लेगा? हम इसे मामू मुसीबत कहते हैं, आपकी जान को खतरा है। कौन है वो जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को बंद रास्ते पर लेकर जाएगा? छोड़िए ना भाई जान, आप भी कहाँ उलझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन चांस नहीं ले सकते ना, अगर इनकी बात सच्ची हो गई तो। खैर पंडित जी, वक्त कितना बचा है? अब तो सिर्फ 55 मिनट ही बचे हैं। अरे वो क्या देख रहे हो, जल्दी से सारा इंतजाम करो, जाओ। ठीक है भाई। तुम शरद को यहीं बुला, उसे सब बता दे क्या? अरे उसे ये सब बताएंगे तो सवालों में ही सारा वक्त जाया हो जाएगा। तुम उसे किसी बहाने सिर्फ यहाँ पर बुला लो, बाकी सब हम देख लेंगे। हमारी मौत की घंटी बजने में सिर्फ 30 मिनट बाकी है, पता नहीं वो दफ्तर से निकला भी या नहीं। तुम लोग मेरी मैयत उठाने के लिए खड़े हो, जाओ यहाँ से। भाई शरद जी आ रहे हैं। भाई ये सब क्या है? आते ही सवाल शुरू कर दिया, तुम्हें मालिक की कसम है अब आधे घंटे तुम बिल्कुल खामोश रहोगे। मैंने तुम्हें कसम दी, मुंह बंद। अब हम तुम्हें बताते हैं, पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया कि अगर 30 मिनट में तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो राहु की महादशा शुरू हो जाएगी और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। जानते हो वो राहु कौन है? अरे वही रघु रोकड़ा। उस 420 डुप्लीकेट से बचने के लिए तो एकदम से ये सब करना पड़ रहा है हमें। अरे हम जानते हैं कि आप परेशान हो रहे हैं कि आपके घर वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, बाद में हम दोबारा सगाई कर लेंगे। अरे आपके हूं के चक्कर में मुबारक घड़ी निकल जाएगी। गुरु जी रस्म शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलाय मंगलाय तनु हरि।
सिमरत मेरी बात सुनो सुनो, हमने मालिक की कसम देकर उसका मुंह बंद करवा दिया है, सारी रस्में करवा लो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। अब जब हम कहें तो वर वधु नमः कहना, श्री गणेशाय नमः। नमः नहीं, नमः बोलो, नमः। भाई साहब, क्या ये दूल्हा गूंगा है? ये क्या मुसीबत हो गई? हाँ गूंगा है, अब क्या करें? अगर ये दिल में भी नमः, जल्दी रस्में पूरी कर। चलिए चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। नमः सूर्य देवाय नमः। नमः अब एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। अरे कन्या को बोलिए इसे पहनाएगी। पहना दो, हाँ चलो पहनो। हम इसका हाथ पकड़ते हैं, जल्दी से पहना दो इसकी उंगली में। हाँ हाँ ठीक है, अभी सिमरन को आप पहनाओ, जल्दी करो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, सगाई हो गई, 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 हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। सुनो सिमरन, अगर इसने मुंह खोल दिया तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, तुम इसके साथ सिनेमा चली जाओ। पागल है क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा तुझे ही प्यार करती। ये तो तेलुगु फिल्मों में काम करती थी ना? पहले तेलुगु में करती थी, अब हिंदी में करती है। मुझे डिस्टर्ब मत करो और फिल्म देखो। तो मुझे सूट में देखकर सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक समझ रहे थे। शादी वाले दिन सिर्फ खाना खिलाकर मत टरका देना, हम सबको सिल्की साड़ियाँ भी चाहिए। आप तो साड़ियाँ मांग रही है, हम 10 साल से एक लड़की का हाथ मांग रहे हैं, आप लोगों ने तलाश की क्या? क्यों मिली नहीं थी क्या? वो मुंबई वाला रिश्ता, कितनी अच्छी लड़की थी, मगर आपने कहा गुंडों का खानदान है, पहली रात थाने में हो गई, सब भाग गए। उन्होंने कहा था उन्हें समझदार लड़का चाहिए, तो ताकतवर तो है लेकिन समझदार। हेलो, समझदार नहीं होते तो शरद जैसा रिश्ता मिलता क्या? भाईजान, भाईजान। अरे ये फिर से टपक पड़ा, क्या बात है शरद बाबू, कुछ भूल गए क्या जो फिर से लेने आए? हम वापस कहाँ हैं? हम तो अभी आए। अभी आए? हमारी बहन कहाँ है? आपकी बहन? हाँ हमारी बहन। अरे उन्होंने कॉल किया तभी तो हम आए हैं। तो फिर वो जो आया था वो डबल रोल वाला भाई, वो शुरू से कुछ कह रहा था लेकिन क्या करे भाई, आपने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ? अगर हमें हमारी दक्षिणा मिल जाए तो हम चले। आप जरा हमारे साथ जरा इधर आए। मैं जी भाईजान। अरे पंडित जी, सगाई गलत आदमी से हो गई। देखिए जनाब, शास्त्रों के हिसाब से सगाई जिसके साथ हुई है शादी भी उसी के साथ होगी। अपना मुंह बंद रखिए पंडित जी, आप चाहते हैं कि उस रोड छाप को हम अपनी बहन दे दें? कुछ कीजिए पंडित जी, फिर दूसरी सगाई करनी पड़ेगी। अगर सिमरन घर पर नहीं है, अगर दुल्हन मौजूद ना हो तो उसकी जगह उसका भाई खड़ा हो सकता है और आप दूल्हे को अंगूठी पहना सकते हैं। तो वक्त बर्बाद मत कीजिए, आइए। सुनो शरद, तुम्हें इस वक्त हमसे सगाई करनी है। जी जी, ये तो पाप है। अरे अरे, मैं तुम्हें उस टाइप का लगता हूँ क्या? हमारे खानदान में रिवाज है कि सगाई साले के साथ होती है, कुंडली के मुताबिक 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी सगाई नहीं हुई तो तुम्हें भी शादी के बाद जंगल जंगल घूमना पड़ेगा। पूछो इनसे, पंडित जी बताओ इनको, जरा समझाओ ना। लेकिन सिमरन कहाँ है? फिल्म देखने गई। सगाई के वक्त फिल्म देखने गई? हमारी खानदानी रस्म है कि सगाई के वक्त दुल्हन फिल्म देखने जाती है। पंडित जी शुरू करो। सुनो मेरी बात, आप अंगूठी पहनाएंगे तो शादी मुझे आपसे करनी पड़ेगी। सिर्फ एक रस्म है, चलो पहनाओ जल्दी। भाईजान, भाईजान ये क्या कर रहे हैं? सगाई हो गई, सगाई हो गई, सगाई हो गई, सगाई हो गई, हो गई, हो गई, सगाई हो गई। अरे अरे, मुबारक घड़ी निकल चुकी थी, बताएंगे तो पीटे जाएंगे, नहीं बताएंगे तो भी पीटे जाएंगे। चूल्हे में जाए अपनी मला से, हम तो नाचेंगे। भाईजान, भाईजान, ये रस्म, ये रिवाज, ये मर्दों की सगाई, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी तो ये आगाज है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगे। भाई रघु रोगड़ा बहुत बड़ी चीज है, बाजी उसके साथ है, हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा सुनो शरद जी, हम माफी चाहते हैं, हमें किसी वीआईपी से मिलने जाना है। किस वीआईपी से? राहु और केतु से। हाय, कहाँ चले गए थे? कुछ जरूरी काम याद आया था, वही पूरा करने गया था, सॉरी। ए, सिमरन से कोई कुछ नहीं कहेगा। ए, कौन है बे? भाईजान तुम इधर क्या कर रहे हो? जरा बाहर आओ। हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हो? जरा इधर आना। क्यों कमबख्त रघु, वहाँ इतना कुछ हो गया और तूने अपना मुंह नहीं खोला और मेरी बहन से सगाई कर ली? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू शरद नहीं रघु है? तुमने अपन को बोलने का मौका दिया क्या? बात तो उसकी सही है भाई। देख भाई, हमसे गलती हो गई, हमने अपनी बहन की सगाई शरद की जगह तुझसे करवा दी। गलती से करवा दी? क्या मजाक लगा रखा है, चढ़ गई है क्या? खामोश, हम सुबह सुबह कभी नहीं पीते, पीते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात यह है कि शरद और तुम दोनों हूबहू हो, इसलिए गलती हो गई। जब ही अपुन ने तुम्हारी बहन को अंगूठी पहनाई उसी वक्त से वो अपुन के दिल में बस गई, और दिल कोई किराए का मकान नहीं है, जब चाहे बदल लिया। अपुन खुद तुम्हारी बहन को बता देगा कि अपुन शरद नहीं रघु रोकड़ा है। अरे देखो, जो होना था वो हो गया, इसमें ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही हमारी छुटकी का, ये सब मेरी गलतफहमी और कसम की हरकतों की वजह से हुआ है। सुनो,
हम तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की की तलाश कर लेंगे। पहले खुद का तो बैंड बजा, बाद में अपन की बात कर। चलो छोड़ो उसे, हमने जो शहर का 20% तुम्हें दिया था अब तुम पूरा रख लो। भाई आप क्या कर रहे हो? चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। हाँ आप बोलो क्या कहते हो। एक बात समझ लेने का, अपन के खानदान की रस्म के मुताबिक सगाई मतलब आधी शादी, अभी तो ये रिश्ता तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बीच में कोई है शरत तो उसको ऐसा देंगे दर्द कि वो हो जाएगा ना मर्द, समझा उसे। और ये तू भी समझ ले, सिमरन का होने वाला पति अपुन ही है, कोई शरद या सरदर्द नहीं। भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बात दरअसल आप परेशान क्यों होते हो? हम बात कर रहे हैं ना, वो अपनी खाला जान है ना, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हें सगाई वाले रोज फिल्म देखने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, इसीलिए हम खुद लेने आ गए। आप भी कैसी बातों पर विश्वास करते हैं? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप घर चले जाइए। शरद तुम बात नहीं समझ रही। शरद सुनो, शरद तुम्हें बुलाया हमें। सॉरी, आज कम ऑन चलते हैं। शरद को ये सब पता चलेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। कदम ही क्यों भाई, हाथ ही उठाते हैं। आज तो आप काफी टेंशन में लग रहे हैं सर, आपके कॉपी की कॉपी हो गई क्या? मंसूबा बना रहे हैं। कैसा मंसूबा? उस रघु रोकड़ा और कांचा से बदला लेने का। क्या अभी इतनी जल्दी थप्पड़ भूल गए क्या? और कुछ भी सुझाने के लिए बचा है क्या आपके पास? तुम्हें क्या पता कलेजे की आग? कलेजे की आग पेट की आग से बड़ी नहीं होती। काम पे ध्यान दें। गुस्सा दिमाग में उबल रहा है, हम धुन नहीं सोच पा रहे हैं। अरे तो आप पहले भी धुन कब सोच पाते थे? जैसे पहले दूसरे गाने को कॉपी करते थे वैसे। अरे बस करो, ताने मार मार कर गुस्सा ना दिलाओ। हम रणछोड़ वाले हैं और हम इंतकाम का दर्द समझते हैं। वहाँ से हमारी जान पहचान के कुछ लोग इस शहर में आए हुए हैं, वो आपकी मुश्किल हल कर सकते हैं। आप बीती सुनाकर आपका वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, एक कोड़ाने की कीमत जैसा काम वैसा दाम। ये रहा। उनको बोल हमने बुलाया है। यहाँ कोई सेल लगी है क्या? बात क्या है? ये आदमी चाहिए। भाई ये शरद कुमार है या रघु रोकड़ा? नाम क्या है इसका? किंग। किंग? ये क्या नई मुसीबत है? ये कोयंबतूर की मुसीबत है, राज चंद्र प्रताप वर्मा, हम इसे ढूंढने आए हैं। भाई क्या हुआ? आप जरा साइड में आइए। ऐसे मामले में दखल क्यों दिया? भाई हमने आपको जो फिल्म की कहानी सुनाई थी ना, उसमें माँ ने जुड़वा बच्चों को नहीं तीन बच्चों के साथ पैदा किया था। खामोश रहोगे क्या? एक है शरद, दूसरा है रघु और तीसरा है किंग। किंग के अलावा दो लोग और हैं, इनको पता नहीं। सही भाई, ये लोग शरद तक पहुँचे, उससे पहले अगर हम रघु को इन तक पहुँचा दें तो अपना शरद महफूज और रघु का खेल खत्म। ठीक है भाई। हाँ हम समझ गए, अगर हम किंग को आप तक पहुँचा दें तो हमें क्या मिलेगा? भाई 1,00,000 कह रहा है, 2 गाय तो डील कर लें क्या? 1,00,00,000 देंगे। पैसे की बात छोड़िए, आप लोग पहली मर्तबा हमारे पास आए हैं, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। काम होते ही फोन करना। जी बेहतर। चल रहे। कितने बदतमीज लोग हैं, जाते वक्त न सलाम न दुआ। अरे सिमरन, हमें तुम्हें एक दिल दहला देने वाला सच बताना है। बताइए ना। भूल से गलती हो गई हमसे और हमने रघु को शरद समझकर तुम्हारी मंगनी उसके साथ करवा दी। क्या? हाँ असल में उस रोज ऐसा हुआ कि मतलब अब हमें रघु से शादी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, क्या तुम्हारे भाईजान तुम्हें बर्बादी के हवाले कर सकते हैं? उस पंडित ने इस गलती को सुधार दिया है, तुम्हें किसी बात को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हम है ना? हाँ पर रघु का क्या करें? हमारे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। ए, तुम सब होश में रहना, टुन मत हो जाना। भाईजान। सिमरन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आ रहा है वो, एक नंबर का मक्कार है। आ जाओ। आप उनको बुलाया क्या? दरअसल हमने कुछ फैसला किया था, वही बताना था। सिमरन जल्दी से बता दो इसे। देखो रघु, गलत या सही हमारी सगाई तुमसे हो चुकी है, अब शादी भी तुमसे ही होगी। फिर शरद का क्या? तुम शरद वरद को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा हमारे यहाँ दस्तूर है कि मंगनी के बाद हम होने वाले बहनोई को दावत देते हैं। लेकर आ जल्दी। जल्दी करो, जल्दी लाना भाई, इसे जल्दी से पी लो। ये क्या है? पीकर देखो मजा आएगा। जहर तो नहीं है ना? अबे जमजम है। पहले बेटा पीले। आ आ
अरे वो इसे ले आए। दादू आपका पार्सल इस बोरे में आ गया, चल हवा आने दे। रखे रखे, जल्दी खोलें। रुके, रुक जा। अरे जल्दी खोलें। हमने इतनी अहम खबर दी, अब आपसे एक फेवर चाहते हैं। आप खोलना चाहते हैं इसे? नहीं जनाब, इसे खोलने से पहले हम भड़ास निकालना चाहते हैं। क्यों रे? हम पर हाथ उठाया था, बेहिसा थप्पड़ मारे थे, तुम्हारी तो। अरे पहले खोलें उसे, फिर उसे पीटें। चलो खोलें इसे, जल्दी करो। हमारा तो दम ही घुट जाता। भाई आप बोरे में कैसे आए? हमने कहा था होश में रहना, उसे बोरे में डालना है, तूने हमें ही बोरे में डाल दिया। खैर भाई, अभी हमें किसने मारा था? इस मुस्के हिदायतकार ने भाई। इस नाटे ने? आज तू जिंदा नहीं बचेगा, सर फोड़ दूंगा तेरा। रुक जनाब, हमारी बात को सुनिए, हमें नहीं पता था बोरे में है। अरे जनाब, छोड़ दूंगा नहीं तुझे। क्या तमाशा हो रहा है? गैंग कहाँ है? भाग गया वो। कमबख्त हम सबको चूना लगा कर गया, पर हम उसे पकड़ कर लाएंगे। चलो रे। तुम यहाँ से तब जाओगे जब किंग यहाँ आएगा। हाँ, तुम इस कांचा को धमकी दे रहे हो? जब देखो गन की दुकान खोल लेते हो तुम लोग। अरे दिमाग है भी या नहीं? हमारा खेल खत्म हो गया तो तुम लोगों को किंग कैसे मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? सिमरन, हम बार बार नहीं बता सकते, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन रघु को पकड़ो। सुनो, तुम बेवकूफों की वजह से भाईजान बुरी तरह फंस गए हैं। हम रघु को किसी न किसी तरह बातों में उलझा कर रखेंगे और तुम मौका मिलते ही उस पर हमला कर देना। बस याद रहे कि ना खून बहे और ना ही मौत हो। ठीक है दीदी। दो घंटों तक उसे होश नहीं आना चाहिए। वो सब हम नहीं जानते, हम तो एक लगा देंगे, फिर चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए। इसके अलावा आता क्या है बेवकूफ? देखो वो आ रहा है, चुप चाप जल्दी करो, खा खा कर सांड बन गए हो। हटो, जल्दी जल्दी करो, आ जाओ। चलो चलो जल्दी निकालो, जल्दी। आ गया कमबख्त, बिल्कुल सही समय पर आई हो। एक मिनट भाईजान, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको पकड़ने की? अभी खबर लेते हैं। अरे यहाँ कोई इंसान होगा तो बात करोगी ना, ये लोग तो जानवर हैं। मैं बात करता हूँ इनसे, तुम रुको। ए चश्मिश, ये लो, यही है किंग, जो करना है इसके साथ वो करो, लेकिन ये बहुत सयाना है, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। ए इसे दे दो इन्हें। अच्छा हुआ इसे ले गए, हमारा सिर दर्द खत्म। जी भाईजान। ए भाई जाकर उनसे पेमेंट लेकर आ जाओ, 1000 के करेंसी लेना। सिमरन जी, ये लोग कौन हैं? हमें पकड़ लिया है, बचाइए तो हमें। सिमरन जी का भाईजान, हम मंदिर में थे, यहाँ कैसे आ गए? भाईजान ये तो शरद लग रहा है। हमें दफ्तर जाना है, इनसे कहिए। दफ्तर जाने की बात कर रहा है शरद ही है। अब हम क्या करें? अरे 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 रुको सिमरन जी, भाई साहब कुछ कीजिए। ए चल अंदर चल। अबे छोड़ बे, पहले के फटके भूल गया क्या? तुम लोग सब हो कौन बे? आइए किंग, आइए आइए आइए। ए इन लोगों ने किंग का नाम लिया था, इन्हें मार मार के सुझा दिया था, अब तूने किंग का नाम लिया तो चीर डालूंगा तुझे। हम ये जानते हैं कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन अगर हम तुम्हें किंग की जगह पहुंचा दें तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, तो कुछ दिनों के लिए तुम्हें किंग बनना होगा। काय के लिए किंग बनने का? 1 करोड़ रुपए के लिए। बात पैसे का नहीं है, दिल का है, अगर तुम्हारा काम सही है तो अपुन सपोर्ट करेगा। हम गलत काम करते ही नहीं, बीवी बच्चों से दूर जानवरों की तरह हम उन गुंडों के बीच में कैसे जी रहे हैं क्या बताएं? और हमारे भांजे किंग का लिया हुआ कर्ज हमारे गले का फंदा बन चुका है। अपुन तेरा तकलीफ समझ सकता है, लेकिन असली किंग अगर किधर से आ गया तो अपुन का बैंड बच जाएगा। किंग नहीं आ सकता है, वो कभी नहीं आ सकता। काय को नहीं आ सकता? वो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या कहा? इतने दिनों से हमसे झूठ बोलते आ रहे थे कि हमारा कर्जा चुकाओगे, अब कह रहे हो किंग नहीं है? अरे छोड़े हमें, अगर आपको पता चलता तो क्या आप हमें छोड़ देते क्या? अब रघु की मदद से आप लोगों का कर्ज चुकाने का मौका मिला, इसलिए हम सच बता रहे हैं। तुम सच बोल रहे हो या इसका कोई सबूत भी है? गोपी, ये किंग की मौत का चश्मदीद गवाह है, बताएं इन्हें। डेथ सर्टिफिकेट और डेड बॉडी की फोटो। किंग की मौत के बाद हमें लगा हमारा खानदान खतरे में होगा,
इसलिए ये खबर हमने अपने तक ही रखी। अगर आप इस मसले में हमारी मदद करें तो शायद हम कातिल तक भी पहुंच जाएं। प्लीज, तेरा काम करने के लिए अपुन का दिल राजी है। डील ओके। भाईजान, सिमरन जी, शरद, तुम उस मंदिर में क्या कर रहे थे? बताया तो था हम हर शनिवार को मंदिर जाते हैं। हम वहाँ पहुँचे ही थे कि अचानक किसी ने सर के पीछे से मार के बेहोश कर दिया, फिर हम यहाँ आ गए। अरे ये तो हमें भी पता है, अंदर क्या हुआ ये बताओ। वो लोग बोले कि अगर हम किंग की एक्टिंग करेंगे तो वो लोग हमें 1 करोड़ रुपए देंगे। हम तो वाकई डर गए थे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है भाईजान, चलिए उन्हें बता देते हैं कि ये रघु नहीं शरद है और इसे यहाँ से ले चलते हैं। अब तुम भी शरद की तरह बात करने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? उन्हें रघु या शरद से कोई मतलब नहीं, उन्हें किंग का डुप्लीकेट चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा? वो लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करते जाओ, हम लोग रघु को लाकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो हम दफ्तर जाके छुट्टी ले आते हैं। अरे तुम ससुराल की दावत में आए हो क्या? वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, हमने किया क्या? सिमरन जरा समझा इसको, मसला क्या है? असल में मसला ये है कि सुनो बड़े भाई, वो रघु बहुत ही शातिर दिमाग का है, 2 दिन में वहाँ सब कुछ साफ करके आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? हमारी बहन उसकी कमजोरी है इसलिए आएगा। तो बहन को भी साथ ले जाएंगे? हमारी बहन की भी एक कमजोरी है। अब वो क्या है? वो हमसे बहुत प्यार करती है, हमारे बिना कहीं नहीं जाएगी। हम पहले से परेशान है कि हम रघु को किंग बनाकर उसे उसके मुकाम तक कैसे पहुँचाए, और तुम चाहते हो कि हम पूरा सर्कस वहाँ पर लेकर जाए। अरे आप बेफिक्र रहे, हमारे पास एक जबरदस्त मंसूबा है। आपके वालिद ने खुदकुशी की थी, उनकी रूह को इस तरह से सुकून नहीं मिलेगा पूजा। अगर वाकई चाहती हो कि उनकी रूह को सुकून मिले तो हमारा मानना है कि इस सबसे बढ़कर तुम्हें कुछ करना होगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये 20 लाख का चेक आप आज के आज ही जमा करा दें। ठीक है मोहतरमा। भाभी जान वो, हाँ, हमने किंग को हर रियासत में तलाश कर लिया है, अब सिर्फ 3 ही रियासत बची हैं, हरियाणा, गुजरात और वो छत्तीसगढ़। हाँ दुरुस्त तो फरमाया आपने। हाँ। हम सोच रहे हैं कि इन 3 रियासतों के अखबारों में किंग की तस्वीर छपवा दें। हाँ। लेकिन उसके लिए तो कम से कम 2 लाख खर्च होंगे। हाँ तो छपवा दीजिए बलू जी। जी मोहतरमा, आप शर्मा जी को 2 लाख कैश दे दीजिए। हाँ जी दे दूंगा। इंसानों पर यकीन करने से अच्छा है कि हम भगवान पर यकीन करें भाभी जान, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम किंग के नाम पर रियासत के सारे धार्मिक जगहों पर यतीमों को अनाज बांटें। हाँ तो बंटवा दीजिए। लेकिन इसमें कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होंगे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले हमें सोचना होगा। उसकी जरूरत नहीं है, हमारा किंग एक बड़ा ही बेशकीमती हीरा है। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, यकीन रखिए किंग जरूर वापस आएगा। अबू जान, ए अप्पा जी, एहसान फरामोश, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे उल्लू की तरह क्या घूर रहे हैं, अपनी बीवी की नाक कटवाकर किस मुंह से वापस आए हैं? हम वापस आए इसलिए परेशान हो, या फिर किंग वापस नहीं आए इसलिए? ए गोल गोल जलेबी की तरह बातें मत करो, आप आए ना आए हमें क्या, ये आंखें आज भी किंग के लिए रोती हैं। अब रोने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं काले जी। आ गया। ये तुम्हें क्या हो गया बेटा, ये सब क्या है, तुम्हें क्या हो गया मेरे बच्चे, बोलो बेटा बोलो। सॉरी मैडम, ये किसी को पहचान नहीं सकते, ना ही कुछ बोल सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? इनकी ये हालत अप्पा जी ने ही की होगी। आप इन पर ऐसा गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? किंग के साथ उत्तरांचल में हादसा हुआ था। हमारा नाम डॉक्टर कांचा काले है और ये है हमारी बहन सिमरन काले। आदाब। नई दवाओं के लिए जड़ी बूटी खोजते वक्त हमने किसी के कराहने की आवाज सुनी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि आपका बेटा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। हमने कुदरती जड़ी बूटियों से आपके बेटे का कई महीनों तक इलाज किया, फिर ये जनाब आए और इन्हें पहचान कर हम यहाँ इन्हें आपके पास लाए। किंग के खोने का और आपसे दूर होने का गम हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और हम जंगलों में दिन रात भूखे प्यासे भटकते रहे जब तक कि हमें हमारा किंग नहीं मिल गया। भूख प्यास में भी चर्बी कहीं से कम तो हुई नहीं लग रही है आपकी? हम नंगे भूखे घराने से नहीं है, खाते पीते घर से हैं। डॉक्टर साहब,
हमारा बेटा पहले की तरह नॉर्मल तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा मैडम, लेकिन उसके लिए आर्ट थेरेपी करनी होगी। आर्ट थेरेपी, ये क्या होता है? एक तरह का इलाज, अंग्रेजी इलाज को एलोपैथी कहते हैं, जड़ी के इलाज को आयुर्वेद और फन के इलाज को आर्ट थेरेपी कहते हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, क्या इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाने तक आप यहीं रुकेंगे? जैसी आपकी मर्जी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। भाईजान जी, प्लीज इनके रहने का इंतजाम कर दीजिए। जी बेहतर, आइए जनाब, आइए जाइए। हाँ तो गोपी मोहन, तुम्हारा कपटी छलिया दिमाग और शर्मा की साजिश पर अमल करके हमें यहाँ से भगाया गया था ना, अब तुम लोगों की बारी है, तैयार रहे। शुक्रिया अप्पा जी, किंग बेटे को लाकर आपने इस महल के 12 लाख रुपए बचा लिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो कल से चलेगी। अब बताइए ये कौन है? मझले फूफा जी। बिल्कुल सही। और ये कौन है? छोटे फूफा जी। Very good. हम सबको यकीन दिला दें कि रघु ही किंग है, फिर आपका सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ, ये आखिरी मौका है। आप क्या हमें धमका रहे हैं? अब हमें कोई बात नहीं करनी है। सुन बे अप्पा जी, आप उनको ये ड्रामा और नहीं करना है। कुर्सी पे बैठे बैठे अपन लंगड़ा हो जाएगा बे। एक तरफ वो कांचा की सड़ी हुई पेंटिंग और दूसरी तरफ सिमरन की बेसुरी आवाज, अपन पगला जाएगा। खामोश रहो, अपन से नहीं होगा, तुम अपना झेलो, अपन जा रहे हैं। अरे प्लीज हमारी बात तो सुने, हम तुम्हारे भी है क्यों, है ना? जी बिल्कुल, आप हमारे उस्ताद जी हैं। नमस्ते। अरे भाई काले, हमने क्या बताया और ये आप क्या कर रहे हैं? 6 सुर लगाए बगैर सातवें पर कैसे पहुंच गए? पहले शुरू किया था उस्ताद जी। आप हमें सब बताएं, किन रागों का इस्तेमाल किया? कल्याणी इस्तेमाल करेंगे तो पैर हिलेंगे, किरान करेंगे तो जोड़ खुलेंगे। जुलाब बंद करने के लिए कौन सा राग इस्तेमाल करेंगे? अरे ये तो घूर रहा है। अधूरे इल्म की बदौलत तुम चीजों पर तवज्जो नहीं दे रहे। कौन सी चीजें उस्ताद जी? स्पर्श, द टच। जब रोगी का जिस्म सुन हो जाता है तब 7वां सुर लगाता है। अगर स्पर्श का पता चल रहा है और 7वां सुर लगा दिया तो रोगी के पैर बेकार होते हैं। हमें छूने से महसूस नहीं होता। इसकी जांच करना हमारा काम है बेटा। वो जा कहाँ रहे? आप जरा पीछे हटेंगी। पता चला? चलिए आप भी पीछे हटिए। अच्छी बात है। पता चला? नहीं, नहीं चला। अभी अभी पता चला? बिल्कुल नहीं। ये जांच नहीं, बदले की आग लगती है। अभी 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 आपको चोट लग रही है, आप रो रहे हैं। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपके हमारी तरफ मोहब्बत देखकर हमारी आंखें भर आई हैं। ये कह रही है, इन्हें कोई एहसास नहीं हो रहा, हम 7वां सुर लगाते हैं। अभी वक्त क्या हुआ है? 10:20 मनहूस घड़ी है। अगर नामुबारक वक्त में इलाज किया गया तो मरीज ठीक और इलाज करने वाला माजूर हो जाएगा, समझे? जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते, कल मुबारक घड़ी में इलाज करेंगे। यह तो सिर्फ एक झलक थी बदले की आग की, कल देखना मौत रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरे मालिक, मैं कहाँ फंस गया रे? कमबख्त ने हमारी टांगें तोड़ दी, ढोल की तरह पीट दिया हमें। ऐसा पिटा जैसे अपुन ने उसकी बेटी भगाई हो। जिस रोज मौका मिलेगा उसको ठोक दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। खजूर एक नंबर का आइटम। शरद, तुम रघु के जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या है ना कि इतना पिटने के बाद कोई दुआ नहीं देगा। हमने गुस्से में किसी को ऐसा कहते हुए सुना था, इसीलिए हमारी जुबान से निकल गया। हमें मार खाते हुए देखकर आप दोनों ऐसे देख रहे थे मानो चौके छक्के लग रहे हो। पैर पर पूरा स्कोरबोर्ड छप गया लेकिन किसी ने नहीं रोका। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, भाईजान से कहकर उसकी बारात निकलवा देंगे, पूरा जिस्म लाल करवा देंगे, क्योंकि उसी की वजह से हम हमेशा फंसते हैं। नीच कमीना बदमाश कहीं का। तुम भी रघु रोकड़ा की तरह शुरू हो गई। असल में तुम्हारी तकलीफ देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाई ना, इसीलिए कह दिया। इसी तरह खिदमत करती रहो। हमने कई बदले वाली फिल्मों में बैकग्राउंड मौसीकी दी है। बदला लेने के बाद जो खुशी हासिल होती है उसका मजा और। मजा आ गया ना, अब चले। अरे अभी कहाँ, जिसने धूप पे खड़े करके हमारी पेंटिंग बनाई थी। हाँ। वो कांचा भी बाकी है। उसके बाद सिमरन। उस्ताद देखो राजेश, इतना व्यस्त होने के बाद भी हमें काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा, उसकी वजह है सिमरन। उस्ताद जी क्या है? आगे देखिए। ओ कांचा, आप भी एक फनकार हैं, इसीलिए आपको एक मौका देते हैं। अगर आप अपनी बहन को हमें सौंप दें और हमसे माफी मांग लें तो हम इसे यही खत्म कर देंगे। कहिए क्या कहते हैं?
क्या कहा हमारी बहन के बारे में? हम माफी मांगते हैं, हमें बख्श दीजिए जनाब। हाथ जोड़कर माफी मांग। मांगता हूँ जनाब। अरे जोड़ लीजिए उस्ताद। हाथ जोड़ रहा है या नहीं? हमारे हाथ नहीं उठ रहे बाबा। भाईजान, इसने पैरों पर मारा था, फिर आपने इसके हाथ के चुप रहिए मैडम, कुछ मत बोलिए, सातवां सुर मत लगाइए। हम ऊंची आवाज में बात कर रहे हो भाईजान, पैर तोड़ दीजिए इसके। अरे यार क्या हो रहा है, सजा दे रहे हैं इसे। साले साहब, आपने तो इस अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, ये कौन सी टेक्निक है? इसे काय कचौरी लॉक कहते हैं। अच्छा, ये लॉक संभाल कर लगाना पड़ता है। थोड़ी सी गलती और आदमी सीधे जमीन से आसमान पर। फिर दूसरे पैर पर हम कोशिश करेंगे। बेहतर है, कर लो कोशिश। अरे आप ही दूसरा पैर तोड़े, ये बिल्कुल अलाड़ी है, 100% मार डालेगा। अबे दो चार मरीजों को मारने के बाद ही आदमी डॉक्टर बनता है। बहनोई साहब शुरू करिए। ये ले आराम कर अभी। उस्ताद जी आप गुजर गए क्या? अरे ये तो जिंदा है, तुमने पहली बार में ही काया कचौरी लॉक एकदम सही लगाया। शुक्रिया साले साहब। अरे हमें इसी हालत में छोड़ कर क्यों जा रहे, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? अगर जिंदगी में इससे बड़ा लॉक लगा ना तो हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, तब तक खटिया पर आराम करो। अरे भाई ये सब कैसे हो गया? वो हुआ ऐसा कि चला था मुरारी हीरो बनने, जीरो बन के आ गया। तुम तो खुश हो ना? जिस तरह एक सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह से आठ के डॉक्टर आठ थेरेपी के ही शिकार हो गए। रात में उस्ताद जी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में ये किंग को ठीक करने के लिए सातवां सुर लगा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनकी छोड़िए और किंग को अच्छा करने के लिए अपना सारा ध्यान लगा दें। हाँ डॉक्टर साहब, वो मुबारक घड़ी आ गई है, आप अपने आठ थेरेपी शुरू करें और वो थोड़ी सी कोशिश कोई भी सहारा मत दीजिए, ये कैसे हो सकता है? माँ हम चलने लगे हैं। बुआ गोपी मोहन, एक का पैर ठीक होना और दूसरे का पैर खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अमीजान, भाईजान, अरे ये क्यों आ गया, अब इसे कैसे संभाले? अप्पा जी ये कौन है? तुम्हारा छोटा भाई। अपुन का भाई? मतलब किंग का, जरा सोच समझ कर बात करना। फिकर नॉट, अपुन संभाल लेगा। अमीजान क्या बात है, बिना खबर दिए चला आया? सबकी याद आ रही थी तो चले आए। भाईजान कहाँ है? ए छोटे भाईजान कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ उस्ताद? ठीक से बनाओ, ठीक से। ये सब कौन है? दरअसल ये लंदन जाने के बाद तुम्हारे भाईजान का एक्सीडेंट हो गया था। इनका एक्सीडेंट हो गया था और आपने हमें बताया नहीं? हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम बताओ तुम अचानक कैसे आए? आपको एक सरप्राइज देने। पूजा, ये हमारी अम्मी जान है। नमस्ते। और ये भाई जान। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़के कौन है भाई? ये हमारी मोहब्बत है भाईजान। अमीजान आपको एतराज ना हो तो हम शादी करना चाहते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम और तुम्हारे भाईजान तुम्हारी पसंद को कभी नहीं ठुकराएंगे। लक्ष्मी जी, भाभी जान आरती लेकर आए, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आ जाओ बेटा। बाबा, नकली किंग से हमारा कोई मतलब नहीं, बस उसके छोटे भाई को मारना है, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ से चुपचाप रवाना हो जाएंगे। तो आप किसी और को ले ले, उस्ताद जी की तो खुद बैंड बज पड़ी है, वो क्या बजाएंगे? रखो। अरे भाई राजेश, क्या है? हमें गोपी मोहन के पास ले चलो। कभी यहाँ ले चलो, कभी वहाँ ले चलो, हमें क्या रिक्शा वाला समझ रखा है क्या? वैसे काम क्या है आपको? हमारे पास कांचा और उसकी गिरोह को खत्म करने का मंसूबा। वॉक कर नहीं सकते और टॉक करने चले? वॉक नहीं कर सकते तो क्या हुआ, टॉक करके तो बदला ले ही सकते हैं। हाथ पर टूट गए, मुंह तो बचा के रखो। अब हमारा मुंह टूटता है या उनका सर, ये खुद ही देख लेना। मीटर डाउन कर चल। किंग वापस लौट कर आया है। बहुत खुश थे कि वो कभी नहीं आएगा, तो वापस लौट कर कैसे आ गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं समझाने में मदद करूं? है?
तो ये अप्पा जी एक कांच को हीरा बताकर हमें धोखा दे रहा है। अप्पा जी ने अकेले सारी जायदाद हड़पने का इरादा कर लिया है। ये लुंगी कसके डायलॉग मारने के बजाय पहले उस रघु रोकड़ा से बात कीजिए। ए रघु रोकड़ा, अप्पा जी के ड्रामे में किंग का रोल करके तुम यहाँ पर आकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। शराब पी के आए हो क्या? हम ही किंग हैं। अगर तुम किंग हो तो हमें अपनी 10 साल की उम्र वाली वो बात बताओ जिसका इल्म किसी को नहीं है। अभी फैसला हो जाएगा, चलो बताओ। चलो यही बता दो कि तुम्हारे 7वीं सालगिरह पर तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था। अरे अकल के दुश्मनों, इसके साथ सवाल जवाब क्या कर रहे हो? पुलिस बुलाकर इसका मुंह खुलवाओ और इसकी पूरी गिरोह को अंदर करवाओ। तुम इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जब हम 10 साल के थे तब आप लोगों ने चोरी करने के जुर्म में हमारे पैर पकड़कर हमसे माफी मांगी थी, याद है हमें? आपने पूछा कि 7वीं सालगिरह पर अब्बू जान ने हमें क्या तोहफा दिया था। ये तलवार। नहीं नहीं, अरे राजेश भागो यहाँ से, इसी में भलाई है। जानते हो क्यों दी थी? तुम जैसे जानवरों को मौत के घाट उतारने। क्यों मरवाया था तुम लोगों ने हमें, बताओ? क्यों मरवाया था हमें? हमें कुछ नहीं पता। अरे मोहन, वो काम आपने करवाया था, सच सच बताया क्यों मरवाया था? हम बदमाश जरूर है लेकिन कातिल नहीं है। इन पर धौंस जमाने के लिए हमने झूठ बोला था। क्या हुआ शरद बाबू, डर लग रहे हो? रात में सोए नहीं? पता नहीं साले साहब, ऐसा लग रहा है मानो दिल पे बहुत बोझ रखा हुआ है। सुबह जब आग खुली तो सर पकड़ लिया। इन मामलों में ऐसा होता है, घबराइए मत, आदत पड़ जाएगी। नाश्ता कीजिए। अरे फूफा जान आइए ना, नाश्ता कीजिए। नाश्ता हम बाद में कर लेंगे। जब कह रहे हैं तो आइए ना। एक घूंट और उसका खेल खत्म। अरे आप भी नाश्ता कीजिए ना। सुबह सुबह दादू का कॉल आया था, पैसे नहीं दी तो हमें फाड़ खाएगा। किसी तरह भाभी जान से कहकर 1 करोड़ रुपए निकाल लीजिए, उसके मुंह पर पैसे मारकर कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद करवा देते हैं हम लोग। ये बहुत जरूरी है, सोच रहा हूँ कि नाश्ता कर ही लें। गुड मॉर्निंग भाई जान। गुड मॉर्निंग छोटे, बैठ जाओ। जूस। गोपी। अरे सुने, जाइए जल्दी जाकर पैसे लेकर आइए ना। जाइए जाइए जाइए। अरे क्या हुआ, जूस पी ले। भाईजान, पूजा, अम्मी जान, भाई जान, बेटा क्या हो गया था, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, कभी कभी आर्ट थेरेपी के मरीज को साइड इफेक्ट होता है। ये वैसा ही एक छोटा सा साइड इफेक्ट था। लेकिन इसकी ऐसी हालत, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी देर आराम करेंगे सब ठीक हो जाएगा। आप इन्हें अंदर लेकर जाइए। चलो बेटा। पता है डॉक्टर साहब, रघु ने हमें कुर्सी से नीचे धकेल कर उस टेबल को झटके में उठा लिया था, फिर उस लड़की का गला भी दबा दिया। उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, ये सब उसने नहीं किया। तो फिर किसने किया? आज रात हम सबको दिखाएंगे कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है।
कांचा, हमें पता है कि आपको पीने के बाद नींद नहीं आती है, इसीलिए आप हमें भूतों की कहानियाँ सुना सुना कर टाइम पास करते रहते हैं, है ना? हमें भी यही लग रहा है। इंतजार करो, देखोगे तो जान जाओगे। कहाँ है भूत? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या खाक देखे? अभी पता चल जाएगा। अभी हम लोग जिसे देख रहे हैं वो रघु रोकड़ा तो है, लेकिन उसके अंदर किंग की रूह दाखिल है। किंग की रूह? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी रूह भटक रही थी और वो अपने डुप्लीकेट रघु रोकड़ा के अंदर दाखिल हो गई। सुबह जब सारे लोग नाश्ता करने में लगे हुए थे, तब हमारा तवज्जो सिर्फ रघु रोकड़ा पर था। पूजा के आते ही हमने इसकी आंखों में दहकते अंगारे देखे थे। हाँ, हमने भी देखे थे। उसे देखते ही इसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल हो उठी थीं। लेकिन किंग अजय की मंगेतर से नाराज क्यों? शायद इसे इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं थी, या फिर कोई और वजह हो सकती है। ओह। हमने वहाँ तो सबको अच्छी तरह से समझा दिया कि ये कैफियत इलाज का साइड इफेक्ट है, लेकिन उसके बाद मैंने इंसानी रूहों पर लिखी गई सिगमंड फ्राइड की बुक का उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ा और फिर हमें सारी बातें समझ में आ गईं। ये तो फिल्म भूल भुलैया की कहानी जैसा लग रहा है। फिल्मों की कहानी भी असली जिंदगी से ही ली जाती है सिमरन। अब देखो, वो रघु रोकड़ा पूरी तरह से किंग बन चुका है। रघु को तो पता भी नहीं कि किंग की रूह ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब हम क्या करें? इस परेशानी का इलाज है मेरे पास। भूत, प्रेत, चुड़ैल और बदरूहों की बुरी नजर से महफूज रखेगा। इस स्वामी अभियान जय को 1000 तपस्याओं का आशीर्वाद हासिल है। जब तक ये आपके बेटे के शरीर पर रहेगा, कोई बदरूह इसके पास फटक तक नहीं सकेगी। आपके बेटे की हिफाजत के लिए ताबीज सोते जागते हर वक्त उसकी कलाई पर होना चाहिए। जब तक ये आपके बेटे के जिस्म पर रहेगा, कोई बदरू इसके करीब तक नहीं आएगी। मैं इसके हाथ पर बांध देता हूं। बाबू की कुंडली के मुताबिक खतरा टलने के बाद इनकी शादी का वक्त आ चुका है, इसलिए जल्द ही इनकी शादी की तैयारी शुरू करिए। कैसी बातें करते हैं बाबा, कंधा देने आए तो कंधा दे और चले जाए। फिजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? इस मुश्किल घड़ी में हम लड़की कहाँ तलाश करेंगे? लड़की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं मौजूद है। कौन है वो? सिमरन। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? इस बारे में फैसला हमारी बहन ही करेगी। सिमरन, क्या ख्याल है तुम्हारा? आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब, आप फौरन सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। जी हाँ, जरूर। एक अरसे के बाद हमारे इस महल में इतनी सारी खुशियाँ आई हैं। ख्याल रहे इस खुशी के मौके पर कोई कमी न रह जाए। वो नकली किंग हर रास्ते में रुकावट डाल रहा है। पूजा, उस नकली किंग से हम निपट लेंगे, लेकिन अजय आज रात ही खत्म हो जाना चाहिए। मंजूर। बाबा, हम लड़की के भरोसे नहीं बैठ सकते। कौन है तुम लोग? Yeah.
अरे वाह शरद बाबू, क्या बात है, आपने तो अकेले ही सबका बैंड बजा दिया। शरद के बाजों में इतना दम नहीं है। इसका मतलब तुम रघु रोकड़ा? रघु रोकड़ा? फिर हमारे शरद बाबू? अपुन का एंट्री होते वो एग्जिट हो गया। क्यों बे शाणे, अपुन को बेवकूफ बनाकर सिमरन की शादी उससे करने का सोच रहा था। अगर मुबारक घड़ी में उसकी शादी मुझसे नहीं करवाई तो तेरा शरद दुनिया से एग्जिट हो जाएगा। हाँ। अरे सिमरन, सिमरन उठो, जल्दी उठो। क्या बात है भाईजान, अच्छा ख्वाब देख रही थी। सिमरन तुम ख्वाबों की दुनिया में हो और यहाँ हकीकत में कितने झमेले हो रहे हैं। ऐसा क्या हुआ भाईजान? रघु रोकड़ा यहाँ आ गया है और उसके डर से शरद बाबू यहाँ से भाग गए हैं। तो फिर अब क्या करें? हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ शरद से। हमें यहाँ से जाना होगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, उठो। ठीक है, अभी तैयार होती हूँ। यहाँ हमारी जान के लाले पड़े हैं और तुम्हें शादी रचानी है? बेटा अगर तुमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो दादू हमें जिंदा जला देंगे। अब घूरना छोड़े और जो तावीज बंधवाया था वो है ना हाथ में? अब सॉरी अजय। क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों आई हो फिर से? छोड़ दो मैं। तुम क्यों मारना चाहती हो हमारे भाई को? कौन हो तुम, बताओ बताओ कौन हो तुम, बोलो। ए, ए, भाईजान छोड़िए इसे, छोड़िए भाईजान। ये औरत हमारे खानदान को मिटाने के लिए आई है मेरे भाई। किसके भाई हो आप? आप किंग नहीं हो? हमें पता है आप रघु रोकड़ा हो। नहीं, हम किंग हैं। किंग तो मर चुका है, हमने उसे मरवाया है। आखिर क्यों? हमारे रास्ते से हटाने के लिए। जहां भी जाओ जिधर भी जाओ सब हमें किंग का भाई कहते थे, उनकी वजह से हमारी कोई पहचान ही नहीं रही। अगर हम जीतते तो कहते किंग की जीत हुई है, जहां भी जाए किंग। इसलिए हम किंग बनना चाहते थे तो मरवा दिया उन्हें। अब आप महल में आकर पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं या किंग की जगह हासिल करना चाहते हैं? कितनी रकम चाहिए आपको? हम देंगे, बस यहां से दफा हो जाइए। ए, ए, आप लोग कौन है? हम कौन है ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो, किंग को मारने की बहुत से लोगों ने कोशिश की पर कोई नहीं मार सका उसे, लेकिन तुमने उसे मार दिया। तुमने किंग के भरोसे का गला घोटा है, उसकी मोहब्बत का गला दबा दिया, लेकिन फिर भी तुम किंग को मार ना सके। किंग को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जानकर किंग ने जिस भाई को खुद से ज्यादा प्यार किया वही उसे मारना चाहता था, इस सच्चाई का बोझ लिए हुए बैठा हुआ ये शख्स किंग है। राजा चंद्र प्रताप वर्मा। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये किंग नहीं है, रघु रोकड़ा है। एक जैसी शक्ल के दो लोग हो सकते हैं पर इनके जैसा इंसान लाखों में एक होता है। किंग के बॉडीगार्ड मुन्ना का असली नाम रघु रोकड़ा है, जो मेरा बेटा है। जब इन्हें पता चला कि इनके घर के लोग इनका कत्ल करना चाहते हैं, तो बड़े फूफा की मदद से रघु रोकड़ा यहाँ किंग बनकर आया ताकि असली कातिल का पता लगा सके। तुम ही वो कातिल हो ये जानकर किंग जीता जी जिंदा लाश बन गया। जनाब ये पूजा और कोई नहीं बल्कि उस रंगा राव की बेटी है जो इस महल में काम किया करते थे। डायरेक्टली आपके खिलाफ कुछ ना कर पाने की वजह से भगत सेठ ने पूजा को मोहरा बनाया और अजय के पीछे भेजा ताकि वो उसे प्यार के जाल में फंसा सके। हे, हम तुमसे क्यों शादी करें? हर चीज के लिए तुम्हें किंग के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर किंग ही ना रहा तो? पूजा, किंग को आने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो अजय तुम्हारे हाथों मर जाता और फिर तुम भी मारी जाती। मुंह खोल।
भगत सिंह ने मुझे तुम्हें मारने को कहा था। पूजा, हमारे खानदान के इज्जत बचाने की खातिर उस दिन हम तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ नहीं कह पाए। फिर जब हम तुम्हारे घर उनसे माफी मांगने के लिए पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तुम बहुत ही छोटी थी, इसलिए हमने तुम्हें अपनी खाला जान के यहाँ भिजवाने का फैसला किया। और तुम्हें इस बात का इल्म न हो इसलिए हमने तुम्हारी परवरिश के सारे इंतजाम कर दिए। ये करके हमने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज अदा किया। फिर भी तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए तुम्हें हमें मारने का हक था, लेकिन यकीन करें उससे अजय का कोई ताल्लुक नहीं था। अजय, बाबा ने हमें किंग बनाया लेकिन हमारे सर पर कोई ताज नहीं है, जिम्मेदारियां डाली, और उन जिम्मेदारियों की वजह से हमें जो कुछ नहीं मिला वो हमने तुम्हें दिया। इसीलिए हमें लगा कि तुम्हारी पढ़ाई हमारी पढ़ाई है, तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है। हमने तुम्हें एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह पाला है। हमें लगा कि हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम्हारी जरूरत क्या है। हमें पता था कि हमारी जान को खतरा है, पर इसी वजह से अम्मी जान कभी चैन से सो नहीं पाई। अगर उन्हें पता चलता कि वो खतरा तुम हो तो उनका कलेजा फट जाता। भाई जान, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दे पगले, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की। बाबा, हमने आपसे किया वादा निभाया, लेकिन हम सबको खुश नहीं रख सके। उसे पूरा करने का एक ही तरीका है कि हम यहां से बहुत दूर चले जाएं। आपसे भी हमें माफ कर दें। चलो निकलते हैं यहां से। ठीक है, पर करना क्या है? सुनो बेटा, बाजी घर छोड़कर चली गई। अम्मी जान? उन्होंने कहा है कि उन्हें तलाश करने की कोशिश ना करें। ये लो दौलत जायदाद के कागजात जो आप चाहते थे, अब आज से इस महल के किंग आप हो। अप्पा जी भाई, उन्होंने आप तीनों से एक बात कहने के लिए कहा है। आपसे दौलत बचाने के लिए इतने दिनों तक ये पाबंदियां नहीं थी, आपको मुसीबत से बचाने के लिए थी। आप तीनों उनकी ननदों का ख्याल अच्छी तरह से रखें, उसके लिए इतनी जायदाद आप तीनों को दी गई है। हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? हम जैसा भुलक्कड़ आदमी इतनी सारी बातें कैसे याद रख सकता है, यही सोच रहे ना? क्योंकि गिलास टूटने की बात हम भूल सकते हैं लेकिन दिल टूटने की नहीं। पता नहीं हमारे शरद बाबू कहां गायब हो गए हैं। हे मालिक, हमें उनसे जल्दी मिलवा दीजिए। अरे अरे, आप तो कुरियर सर्विस से भी ज्यादा फास्ट हैं। शरद बाबू? हाँ। अरे साले साहब, गुड मॉर्निंग। बिना बताए आप कहाँ गायब हो गए थे? लम्बू ने मार मार के नानी याद दिला दी थी, इसलिए नानी से मिलने गांव चले गए। आपकी बुजदिली ने आपको बचा लिया। बुजदिली? कैसी बुजदिली? आपको क्या लगता है उसे छोड़ देंगे? पुलिस केस करेंगे उस पे। जो चला गया उस पर क्या केस करना? कब कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, उधर देखो, रघु रोकड़ा के वालिद। अगर टोपा भाई को उनके बेटे की मौत का पता लगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। आप रहम दिल है, रघु रोकड़ा बनकर मिल लिया करना, उन्हें पता नहीं लगेगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पर क्यों? अरे ये कैसा स्क्रीन प्ले बता रहे हैं आप? उधर हमें किंग की अम्मी जान से मिला दिया, उनका दिल न टूटे ये छोड़कर हम किंग बन गए, अब आप हमें इधर रघु बनने को कह रहे हैं। अरे हमसे कितने किरदार कराएंगे? हम संजीव कुमार या प्रियंका चोपड़ा? नेक काम के लिए कोई भी किरदार करना पड़े करना चाहिए। ठीक है, सिमरन से बात करते हैं। सिमरन कहाँ है? क्या शरद, अचानक से गायब हो गए? तुम्हारे लिए कितना परेशान थे बताए तुम्हें? सिमरन, हम तुमसे एक सच बात कहना चाहते हैं, हम वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मतलब? हम किंग हैं। गिड्डू, पता है तुम जिंदा क्यों? ताकि हमें भगत सिंह के हर नापाक मंसूबों की खबर मिलती रहे। सर, वो दिव्या फ्रॉड है सर, उसकी सारी डिटेल्स नकली हैं सर।
फिर तुमने उसे हमारी कंपनी में अपॉइंट क्यों किया? आपकी सिफारिश देखकर सर, ये देखिए। हमने तो ये ब्लैंक लेटर हेड दस्तखत करके अपने सेफ में रखे थे ताकि हमारी गैर मौजूदगी में काम आ जाए, मतलब घर का ही कोई है। भगत सिंह सेठ के आदमियों ने आप पर हमला किया और जिस लड़के ने आप पर गोली चलाई उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। भगत सिंह सेठ के पास आपके हर प्रोग्राम की डिटेल है, उत्तरांचल ट्रिप का भी। शायद कोई घर का ही बंदा है जो उसके साथ मिला हुआ है। थैंक यू गिड्डो। मुन्ना, हमारी बात ध्यान से सुने। फिर हमने मुन्ना के साथ ये ड्रामा शुरू किया। जल्दी से अंदर बैठ जाओ, पुलिस पीछा कर रही है। बड़े फूफा अप्पा जी हमारे साथ शामिल हो गए। तुम्हें किंग बनकर महल में रहना है। वहाँ पता चला कि बाकी दो फूफाओं का हाथ भी इस साजिश में नहीं था। हमारे भाई को जो चाहिए था वो उसे देने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक करके हम यहां चले आए। भाई जी। हाँ गिड्डो, क्या खबर है? भगत सिंह सेठ ने हमें आपके भाई की गाड़ी में बम रखने को कहा है। फिर तुमने क्या किया? उन्हीं की गाड़ी में फिट कर दिया भाई। भगत सेठ। गिड्डो, वो काम हो गया? भगत सेठ, हमने आपसे कहा था ना, अगर हमारे खानदान पर हाथ उठाया तो आप दुनिया से उठ जाएंगे। कौन बोल रहा है? किंग। अरे मैं बता रहा हूँ। अरे सिमरन, तुम दो दिनों से शरद के लिए परेशान थी इसीलिए गुड न्यूज नहीं बताई। कैसी गुड न्यूज? वो क्या है ना कि उस्ताद जी की बहन से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। पता है। तो ये भी पता होगा कि इन्होंने हमारा इम्तिहान लिया था। हाँ पता है। उस इम्तिहान में उस्ताद जी ने हमें पूरे नंबर देकर पास कर दिया है। सच भाईजान? खुश होने की जरूरत नहीं है, फन को बेइज्जती से बचाने के लिए अपने दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये फैसला किया है। खामोश। अरे हम बात कर रहे हैं ना उस्ताद जी, देखिए हम चाहते हैं लगे हाथ हमारी भी शादी हो जाए, क्या कहते हो शरद बाबू? हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा साले साहब। कांचा भाई की बहन की शादी रघु रोकड़ा के साथ, ये तो अजब गजब प्रेम कहानी हो गई है। साथी बैंड बज जाएगा। दूल्हा भाई, आपको रघु रोकड़ा समझ रहे हैं? हमने कहा था ना पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, हम इन दोनों की शादी पहले ही मुबारक घड़ी में करेंगे। सुन बेटा, हम बहू के लिए गहने खरीदने जा रहे हैं। जी बेहतर अम्मी जान। दूल्हा भाई, हाँ। ये बेचारी तो आपको सच में किंग समझ रही है। कितनी मासूम है ना। ए शरद। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे साले साहब? तुम्हें नहीं, उसे। किसे? आदाब हुजूर। हाँ आदाब आदाब। तो इधर क्यों है? मालिक के दर्शन के लिए आए थे। शरद। हाँ जी कहिए। तुम्हें नहीं, हमें बुला रहे हैं। जी कहिए साले साहब। अपने दोस्त को भी शादी की दावत दे दो। शादी में आएगा तो बुरी तरह से पीटूंगा। हमारे दादाजी कहा करते थे कि हम किसी काम के नहीं, लेकिन हम आपके काम तो आ गए। मुबारक हो। सुनो शरद, आज से तुम्हें तीन तीन किरदार करने पड़ेंगे, सभी को खुश रखना होगा। कैसे करोगे? इसके लिए ये कौन सी बड़ी बात है, जब जो कहेंगे बन जाएंगे। और किसी चौथे किरदार में आ गया तू तो?